so hello everyone if i am audible if i am visible give me a thumbs up write something in comment section and then we can start the session yeah so hello everyone if i am audible if i am uh, okay so i am audible everyone so this is let's crack upsc csc which is unacademy's youtube platform and i am shwatank ओके okay? एंड uh, हम क्या करने वाले हैं सो ऑबियसली मस्ट बी नोइंग बाई नाउ वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ है लेक्चर नंबर फोर्टीनथ ओके वॉट वी आर गोइंग टू लुक इन टू इज कोल्ड वॉर ठीक है कोल्ड वॉर हमें आज समझना है बहुत सारी और चीज़ें हैं जो साइमल्टेनियसली हमने कंप्लीट कर ली हैं चाइना में क्या हो रहा था कोरिया में क्या हो रहा था लेकिन ये सारी चीज़ें हो क्यों रही थी इनके पीछे बहुत बड़ा रीज़न कोल्ड वॉर का है एंड दैट इज़ वॉट वट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे हाई चेतन ओके सो दैट्स द होल आइडिया ओके चलो सो लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स स्टार्ट द होल थिंग दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी यू कैन गो थ्रू इट और नीचे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेंगे मेक श्योर sure कि आप टेलीग्राम ग्रुप में हो बिकॉज पी डी एफ आफ्टर द क्लास विल बी अपलोडेड ओवर देर सो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी ठीक है लेट्स ऑल्सो टॉक अबेट अबाउट अन अकेडमी बिकॉज अन अकेडमी इज एक्चुअली गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट ठीक है सो देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए बिकॉज बहुत थोड़े से दिन बचे हुए हैं प्राइसेज आर गोइंग टू इंक्रीज ऑन ट्वेंटी फोर पहले एक्चुअली प्राइस बार गोइंग टू इंक्रीज ऑन ट्वेंटी एट बट चार दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया नाउ यू कैन गो फॉर वट एवर यू सूट्स यू प्लस और आइकॉनिक ऑल दो आइकॉनिक की प्राइसेज में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा प्लस की प्राइस विल इंक्रीज फ्राम फिफ्टी सेवन थाउजेंड uh, रुपीज टू तो एक्चुअली सिक्सटी फोर थाउजेंड ओके मतलब आप कोड यूज़ करके टेन परसेंट डिस्काउंट जो मिलता है उसके अलावा भी प्राइसेज विल इंक्रीज़ ठीक है सो उससे पहले की प्राइज इंक्रीज हों ट्वेंटी फोर से पहले ट्राई टू टेक यूर एडमिशन फाइन So let's start the session then. I think most of the people are here. Okay, or let's wait for another few seconds. Then we'll start the session. In the meantime, if you have any query from yesterday, any query about Korea, or any query about any other issue, okay, you can ask me now. Hi Anjum. Yeah, hi Anjum. Uh, hi Ram Kumar. Uh, if anyone has any queries uh, from yesterday's class, you can and we'll start the class in two minutes. Okay. Yeah. सो so, uh, कल हमने कोरिया डिस्कस कर लिया था व्हाट हैपन इन द कोरियन वॉर ठीक है 1950 से 53 हाउ कोरिया वाज कोरिया गॉट डिवाइडेड बिटवीन टू कंट्रीज एंड देन नॉर्थ कोरिया एक्चुअली रेविस्ड ओवर होल ऑफ नॉर्थ साउथ कोरिया उसके बाद फिर साउथ कोरियन फोर्सेस अलोंग विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो पूरे नॉर्थ कोरिया के ऊपर चली गई कैसे चाइना वॉर में इन्वॉल्व हुआ जब अमेरिकन और ऑलमोस्ट गोइंग टू एंटर इन चाइना फ्रॉम यालू रिवर ठीक है और उसके बाद से अगेन एवरीथिंग एंडेड राइट वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड ओके या श्लोक प्लीज आज द डाउट या वर्ल्ड वॉर सेकेंड कोई भी कोई भी एनी डाउट एनी डाउट कोई भी डाउट हो रशियन uh, रेवल्यूशन uh, से या पहले से भी कोई इशू नहीं है यू कैन ऑलवेज आस्ट मी या साउथ कोरिया वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ अंजुम एग्जैक्टली uh, exactly क्या डिफिकल्टी कुछ मुझे बताएंगे क्योंकि स्लाइड्स तो मेरे पास नहीं है अगर आप एग्जैक्टली exactly टॉपिक बताएं कि साउथ कोरिया में क्या नहीं क्लियर हुआ सो आई एल बी एबल टू आंसर या ओके सो अंजुम या अगर आप मुझे एग्जैक्टली exactly श्लोक अंजुम अगर मुझे क्लियर कर दें कि क्या नहीं क्लियर हुआ साउथ कोरिया में बिकॉज आई यस्टरडे टोल्ड यू कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में थर्टी एथ पैरल में लाइन बन गई थी जो अभी भी वही थर्टी एट पैरल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है साउथ कोरिया में ऑब्वियसली क्योंकि अमेरिकन थे तो वहां पर एक रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई और नॉर्थ कोरिया में एक रिपब्लिकन uh, डेमोक्रेटिक तो छोड़िए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी जो कम्युनिज्म में धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज हो गया एक टोटेलिटेरियन डिक्टेटरशिप बन गई नॉर्थ कोरिया में ठीक है या ओके नो यू स्लोक आई होप आपको चीजें समझ में आए ओके टाइमलाइन नॉर्थ कोरिया की टाइमलाइन विल गो थ्रू इट चेटन अभी हम नॉर्थ कोरिया पे और डिस्कशन करने वाले विल गो थ्रू नॉर्थ कोरिया का डिस्कशन uh, श्लोक माई डाउट इज 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 इन स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द कमिंग ऑफ मैनचेस्टर या श्लोक वट इज एग्जैक्ट डाउट देखो मैनचेस्टर वॉज द मेन सिटी वै डेवलपमेंट वॉज टेकिंग प्लेस ओके मैनचेस्टर वॉज द प्लेस इन ब्रिटेन जहाँ पे सारे इंडस्ट्रीज इनिशियली जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी मैनचेस्टर में बनी ठीक है और सारे के सारा रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था और फिनिश प्रोडक्ट फिर ब्रिटेन से वापस आता था इसके अलावा मैनचेस्टर की क्या इंपॉर्टेंस आप जानना चाहते हैं अगर स्पेसिफिकली बताएंगे सो आई विल बी एबल टू आंसर इट चलो देन लेट स्टार्ट द क्लास ओके स्टार्ट द सेशन देन हाँ सो वॉट वी हैव टू बिगिन कोल्ड वॉर टू ओके वॉर यानी दो ग्रुप्स जो आपस में लड़ गए से ग्रुप यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन अच्छा अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई अटोमिक बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब एवरीथिंग दे हैड और पूरे के पूरे को कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैंने शायद पहली भी क्लास में बताया था क्योंकि इनके खुद के बॉर्डर कभी हॉट नहीं हुए ये एक मिलिट्री लिंगो है मिलिट्री में वर्ड यूज किया जाता है दैट बॉर्डर्स आर हॉट यानी बॉर्डर्स के ऊपर अगर वॉर हो रही हो बुलेट्स की फायरिंग हो रही हो आग लगी हो बॉर्डर्स आर हॉट ठीक है सो इनके आपस में जो भी बॉर्डर्स हैं क्योंकि अगर आप कहो तो रशिया और आ, अमेरिका सबसे पास कहाँ है बॉर्डर तो नहीं है कहीं टच करते हुए लेकिन अलास्का में बहुत नज़दीकी बॉर्डर है इनके ठीक है लेकिन अलास्का को छोड़ो कहीं भी ऐसी नहीं थी जहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस सोवियत फोर्सेज से डायरेक्ट हैंड टू हैंड या फिर फायरिंग भी हुई हो एक दूसरे के ऊपर लेकिन क्या होता था इनके बिहाफ पे बाकी कंट्रीज आपस में लड़ती थी सो so, इनके खुद के जो बॉर्डर्स थे द बॉर्डर्स इन बिटवीन ठीक है यहाँ पे ये जो बॉर्डर्स हैं ठीक है ये बॉर्डर्स जो हैं ये हमेशा कोल्ड रहे लेकिन वॉर चल रही थी एंड दैट्स इट इज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर ठीक है जिसको हिंदी में कहते हैं शीत युद्ध ओके अब देखो दो कंट्रीज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स और दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओके 1947 के बाद से ही इस सिचुएशन खराब होनी लगी ऐसा लोगों को लगता है लेकिन सिचुएशन खराब पहले से हो चुकी थी क्योंकि आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे पहले आप समझो देखो हमेशा ये जान लो कि रशिया को सोवियत यूनियन को हमेशा एक ब्राउन बेल रिप्रेजेंट करता है ठीक है भालू जो होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है और ऑन द अदर हैंड अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं एक कैरेक्टर जिसको कहते हैं अंकल सैम ठीक है अंकल सैम ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अमेरिका सो अब देखो क्या किया क्या एक जनरल कॉन्सेप्शन कोल्ड वॉर के टाइम में माना जाता था कि ओके okay. अ uh, एक कोल्ड वॉर के टाइम एक जनरल कॉन्सेप्शन ये माना जाता था कि देखो यहां सामने आपके कौन दिख रहा है ये है अंकल सैम एंड अंकल सैम ने क्या किया वेदर इट इज़ पाकिस्तान वेदर इट इज़ इज़राइल वेदर इट इज़ यूरोप यूएसए से खुद या फिर चाइना या फिर जापान हर जगह से वो सोवियत यूनियन के ऊपर निशाने लगा रहे हैं और दूसरी ओर मैप में देखो क्या हो रहा है दूसरी ओर जब इस ग्लोब को घुमा दो सो दूसरी ओर जो बेयर है जो रशियन बेयर है जो सोवियत यूनियन का रशियन बेर है ठीक है वो क्या कर रहा है सो वो ये सारे के सारे जो एरियाज हैं जो चारों ओर से सोवियत यूनियन को घेरे हुए हैं चाहे वो चाइना हो चाहे वो अफगानिस्तान हो ठीक है और या फिर वो सीरिया हो या फिर वो यूरोप हो वो सबको काउंटर कर रहा है ठीक है सो दैट इज व्हाट वाज गोइंग इन कोल्ड वॉर ठीक है कहीं डायरेक्ट वॉर नहीं हो रही थी लेकिन हर जगह इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हो रहा था पूरे का पूरा पीरियड बिटवीन आफ्टर 1945 फोर्टी फाइव गॉट अब बिट मोर एग्रेसिव और इसकी शुरुआत कोल्ड वॉर की बहुत पहले से हो गई थी कहाँ से हुई थी वो हम अभी बात करेंगे ठीक है सो दिस वॉज द पीरियड जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं जहाँ पे सुपर पावर इन्फ्लुएंस द फॉरन पॉलिसीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोसाइटीज इन ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ठीक है हर एक चीज आपकी सोसाइटी की सुपर पावर से कहीं ना कहीं से डिसाइड होती थी आई गिव यू सम सम्जाम्पल्स ठीक है आप इंडिया में ट्रेन में आपने सफर किया है आपने इंडियन ट्रेन में सफर सफ़र किया होगा आई थिंक so, जितने लोग क्लास देख रहे हो ट्रेन में मूव किया होगा आप लोगों ने किया है ट्रेन में मूव हाँ ना कुछ बताइए भाई आपको क्या लगता है ये जो हमारी ट्रेन का मॉडल होता है जो ट्रेन के अंदर का सिस्टम वो कहाँ का है ये हमने सोवियत यूनियन से ये जो ट्रेन के पूरे आइडियाज है ना इंटरनल ये सारा हमने सोवियत यूनियन से ये आइडिया लिया है ठीक है सोवियत यूनियन के ट्रेन का डिजाइन है जो हमने कॉपी किया था इंडियन ट्रेन जो होती है बेसिकली वो सोवियत यूनियन का डिजाइन है ठीक है आ, आप ऐसे ही और भी चीजें देखो Uh, इसके अलावा देखो uh, जो आप जब कैंटोनमेंट्स में जाओगे इंडियन जो आर्मी की या फिर इंडियन uh, जो बड़े इंस्टीट्यूशन्स होते हैं किसी आईआईटी में कभी जाओ किसी आई में जाओ सो गवर्नमेंट के जो कैंटो जो जो जगह होती हैं जो स्पेसिंग होती हैं वो भी क्या होती हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं अब ओवर द पीरियड रशियन सिस्टम से इंस्टेड ऑफ़ ब्रिटिश सिस्टम लोग ऐसा लगता है कि कलोनियल सिस्टम से अब ओवर द पीरियड ब्रिटिश सिस्टम से मिलना चाहिए लेकिन वो सेवन और सेवेंटीज़ आते आते हमें बहुत सारा जो हमें सोवियत इन्फ्लुएंस है वो इंडियन स्ट्रक्चर में दिखना शुरू हो गया था ठीक है जितनी भी नाइनटीन सिक्सटीज़ में सेवेंटीज़ में जितनी भी नए इंडस्ट्रियल एरियाज बन रहे थे वो सोवियत डिजाइन पे बन रहे थे ठीक है सो एक्चुअली आपको जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस मिल जाएंगे जो इंडिया के इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं इंडस्ट्रियल सिटीज जैसे अगर आप बोकारो स्टील प्लांट चले जाओ सो वहां पर जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है वो आपको Uh, कीव के हाउसिंग प्लान से ज़्यादा सिमिलर uh, लगेगा ना ही कहीं यूरोप या अमेरिका के हाउसिंग प्लान से ठीक है सो इस तरह की चीज़ें आपको ना ही सिर्फ पॉलिटिक्स में ना ही सिर्फ मिलिट्री में बट आपकी सोशल लाइफ में भी बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करने लगी थी ये कल्चर ठीक है और दूसरी तरफ देखो कल्चरल एमलगमेशन हुआ था इंडिया और सोवियत यूनियन का क्योंकि आपको पता है इंडियन मूवीज वर वर वेरी वेरी मच द द सोवियत पीपल पीपल रशियन फॉन्ड ऑफ इंडियन मूवीज ठीक है सो वेदर इट इज राज कपूर की मूवीज हो या फिर मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज हो दे वर एक्सेप्शनली सेलिब्रेटेड ओकेजन जब भी इनकी मूवीज uh, वहां पे रिलीज होती थी सो so दोनों तरफ से वो कनेक्टिविटी थी यूनाइटेड स्टेट से इंडिया की कनेक्टिविटी उस तरह से इनिशियल फेजेज में नहीं बनी ठीक है सो अब हम इसके बारे में आगे देखते हुए बात करेंगे ठीक है Uh, आगे देखो हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल पैराडाइम हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल पैराडाइम की बात करेंगे हम तो पहले पूरी की पूरी लड़ाई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और अभी तक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई थी ये ठीक है सोशलिज्म कम्युनिज्म एक तरफ और कैपिटलिज्म की लड़ाई थी ये जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में बाहर आई ठीक है लग आपको लग रहा है दो कंट्रीज लड़ रही हैं लेकिन लड़ाई किसकी हो रही थी दो आइडियोलॉजीज की ठीक है वेदर इट इज एडम स्मिथ जिनकी आ, और दूसरी कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म का ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं मी लेमी मी गो थ्रू इट इन इन अ शॉर्ट अगेन जो कार्ल मार्क्स का एक पूरा आइडिया था कि जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना काम करेगा और जिसकी जितनी ज़रूरत है वो उतनी चीजें सोसाइटी से या स्टेट उसको दे देगा और दूसरी तरफ एडम स्मिथ का कहना था कि अगर आपको कोई दुकानदार अगर आपको कोई बेकर अगर आपको कोई बुचर अपना सामान दे रहा है तो वो कोई बेनोवलेंसी नहीं कर रहा है वो बेनोवलेंट नहीं है आपके ऊपर वो अपना काम कर रहा है वो अपना प्रॉफिट निकाल रहा है और इसलिए आपको भी बार्गेन करना चाहिए आपको अपने प्रॉफिट की सोचनी चाहिए आपको उसके थैंकफुल होने की जरूरत नहीं है और जब दोनों अपनी प्रॉफिट की बात सोचेंगे तो बीच में एक ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा एंड दैट इज मार्केट ठीक है सो so, दोनों एग्जैक्टली exactly एक जक्सपोजिट कॉन्सेप्ट हैं कैपिटलिज्म का एंटीथेसिस है कम्युनिज्म जब तक कैपिटलिज्म रहेगा तब तक, तक कम्युनिज्म कहीं ना कहीं किधर ना किधर से आता रहेगा जाता रहेगा ठीक है अब देखो कमनिज्म की थोड़ी बात कर लेते हैं तो जो किताब थी जो 1848 में लिखी गई थी जिसका नाम था द कमुनिस्ट मैनिफेस्टो उसमें कमनिज्म का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया कार्ल मार्क्स ने अच्छा कार्लमार्क से एक और दोस्त थे जिनका नाम था फेडरिक एंगल्स ओके फेडरिक एंगल कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर राइटिंग्स करते थे और उनकी जो राइटिंग्स थी वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पब्लिश हुई सबसे पहले ठीक है एटीन फोर्टी एट कार्लमार्क्स और फेडरिक एंगल के बारे में आप समझ लीजिए कार्ल मार्क्स की डेथ हो गई थी 1883 में ही और फेडरिक एंगल्स डाइड इन 1895 ठीक है द होल बेसिक आइडिया वॉज पीस ब्रेड एंड लैंड पीस का मतलब क्या है जो मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि आपसे जरूरी चीज़ हमेशा ही कही जाती है कि आपको जिंदगी में सबसे जरूरी है रोटी कपड़ा और मकान ठीक है नहीं रोटी कपड़ा और मकान सबसे जरूरी नहीं है सबसे जरूरी है सिक्योरिटी ठीक है अगर सिक्योरिटी होगी तो रोटी कपड़ा मकान की बात होगी ठीक है अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा सो so, सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी एंड दैट ओनली कम्स वन देयर इज अ पीस जब एक बार शांति होगी समाज में तभी आपको सिक्योरिटी मिलेगी एंड दैट्स वाई कम्युनिज्म टॉक्स अबाउट पीस ब्रेड एंड लैंड ठीक है जमीन मिलेगी खाना मिलेगा और शांति मिलेगी और वहीं पे कम्युनिज्म डेवलप हो सकता है सो बेसिक आइडिया समझें ठीक है देर इज समथिंग जो रोटी कपड़ा मकान के पहले भी आता है एंड दैट इज सिक्योरिटी ओके दिस इज अ पिक्चर जहां ऐसे दिखाया गया है कि फेडरिक एंगल्स मेरे पीछे जो दिख रहे होंगे स्टेट ओन करते हैं और स्टेट लोगों में उसको एज पर नीड डिवाइड करते हैं और इसलिए वो एक क्लासलेस सोसाइटी हो जाती है ध्यान से इस वर्ड पे ध्यान दे क्लासलेस सोसाइटी मतलब कोई अमीर नहीं होगा कोई गरीब नहीं होगा ठीक है अच्छा अब यहां पर रिलीजन के बेसिस पे बात नहीं की गई थी क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिलीजन और ये जो बाकी सिस्टम्स है ना जो ट्राइबल आइडेंटिफिकेशन होते हैं बेसिकली क्लास कास्ट को भी अगर आप डिफाइन करें कार्ल मार्क्स के लैंग्वेज में तो वो उसको एक तरीके के ट्राइबल एफिलिएशन की तरह ही मानते थे ठीक है सो कास्ट क्लास कास्ट और रिलीजन की बात तो कार्ल मार्क्स ने पहले ही छोड़ दी उन्होंने कहा यह सब तो पहले ही खत्म हो चुका है इसकी तो बात ही नहीं हो रही बात हो रही है सिर्फ वेदर यू हैव और यू हैव नॉट मतलब आपके पास पैसे हैं कि नहीं है आप अमीर हैं कि गरीब हैं यही एक डिफरेंशिएशन है सोसाइटी

कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के सामने रूलिंग क्लास जो है जो कैपिटलिस्टिक क्लास है जिनके पास पैसा है जो एरेस्टोक्रेसिक क्लास है उनको झुकना पड़ेगा उनको जमीन पे गिरना पड़ेगा ठीक है और ये करने में चांस लेने में प्रॉब्लम क्या है क्योंकि जो गरीब आदमी है उसके पास वैसे भी कुछ नहीं है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मर जाएंगे वैसे भी जिस तरीके से जिंदा है वो उसका फायदा नहीं है ठीक है सो इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया दैट टेक अ चांस समथिंग गुड विल ओनली कम आउट बिकॉज अब जिस सिचुएशन में हो इससे खराब हो ही क्या सकता है ठीक है दे हैव अ वर्ल्ड टू विन दैट इज वॉट मार्क्स वॉज कार्ल मार्क्स का आइडिया था कि जो गरीब लोग हैं जो प्रोलिटेरियंस हैं जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं बॉटम मोस्ट टाटा के लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है सिर्फ जीतना ही अब है ऑप्शन और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि जिस सिचुएशन में उससे खराब सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती ठीक है वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट द आइडिया पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कामगार हैं उनको यूनाइट होना पड़ेगा और उनको अपनी बात रखनी पड़ेगी दैट इज वॉट द बेसिक असेंस ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अच्छा ये जो मैंने कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही क्रूड फॉर्म में है ठीक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो फंडामेंटल आइडिया है वो बहुत डिटेल है इतना ईजी नहीं है लेकिन ये बहुत क्रूड फॉर्म में समझाए गए हैं आपको कार्ल मार्क्स और फेड्रिक एंगल्स ने यह चीज समझाई अब देखो ऑन द अदर हैंड 1776 में एडम uh, स्मिथ ने जो बुक लिखी उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस ठीक है वेल्थ ऑफ नेशंस अब वेल्थ ऑफ नेशन में कैपिटलिस्ट जो मैंने आपको एक सिस्टम समझाया वो बताया उन्होंने क्या कहा कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो किस पे बिलीव करते हैं दैट मार्केट्स आर एफिशिएंट एंड दे शुड बी अलाउड टू वर्क ऑन देयर ओन मतलब आपको दिन भर जाके मार्केट में डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है मार्केट इज केपेबल टू हैंडल इट ठीक है 1776 में पब्लिश हुई थी एडम स्मिथ ने ब्रिटेन में रहते हुए कॉन्सेप्ट लिखा था दैट एसेंशियल फीचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड हाउ इट फंक्शंस ठीक है ये पूरे कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिए थे ओके चलो अब इस पूरे डिवाइड पे बेस करके दो कंट्रीज बनी एक यूनाइटेड स्टेट्स जिन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल को एक्सेप्ट किया ठीक है और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ठीक है जिन्होंने कम्युनिस्ट मॉडल को एक्सेप्ट किया दोनों कंट्रीज में हुआ क्या तो पहली बात अमेरिका में फ्री इलेक्शंस सोवियत यूनियन में फ्री इलेक्शन की बात ही नहीं हो सकती क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पहले ही लिखा है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलीटेरिएट ठीक है सो फ्री इलेक्शन की तो बात होगी ही नहीं ठीक है सो so दोनों कंट्री में इलेक्शन का मॉडल चेंज अलग अलग अमेरिका में डेमोक्रेटिक मॉडल है सोवियत यूनियन में नहीं है अच्छा सोवियत यूनियन का जो डेमोक्रेटिक मॉडल तो नहीं है लेकिन उसने दूसरी तरीके की चीज़ है देखो सोवियत जो होते हैं इसको थोड़ा सा समझ लें सोवियत जो होते हैं वो क्या होते हैं सोवियत्स आर नथिंग बट डिस्ट्रिक्ट लेवल के ग्रुप्स ठीक है अगर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपना यूनियन बना लिया दैट ओनली इज कॉल्ड एज अ सोवियत ठीक है सो आप यह नहीं कह सकते कि, कि किसी भी तरीके का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था ऑल दो जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो उतना डाइवर्स और उतना ब्रॉड नहीं होता था जितना कि डेमोक्रेटिक मॉडल में होता है जहां एवरी फ और हेल्फ जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का सिस्टम है ठीक है सो यूनियंस जो थे वो काम करते थे खैर जब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने आपको बताया था कि के पहले यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसा कोई खास डेमोक्रेटिक मॉडल नहीं था क्योंकि वहां भी कोई वोट के वोटिंग राइट सबको अवेलेबल नहीं थे तो आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा कि ऑल दो अमेरिका टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी इन सोवियत उनको कहा जाता है कि इट इज अइंड ऑफ अ डिक्टेटरशिप लेकिन दोनों जगह जहां डेमोक्रेसी थी वहां डेमोक्रेसी में कुछ कमियां थी और जहां डिक्टेटरशिप थी वहां पे भी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन थी तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ठीक है इकोनॉमिक सिस्टम आप समझ चुके हैं अमेरिका में कैपिटलिस्ट था उन, सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट था ठीक है कैपलेस सिस्टम की खासियत यही होती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ओके अगर आप रेस चल रही है अगर आप रेस में पीछे छूट गए आप हार जाएंगे ठीक है कमनेस सिस्टम में ये नहीं होता क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ये बताया टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज केपेबिलिटी जिसकी जितनी ज़रूरत है वो उतना स्टेट से ले जाए और जिसको जितनी क्षमता है वो उतना काम करके स्टेट को दे दे दैट्स द बेसिक आइडिया अब इसमें समझें इस, इस चीज को इसका मतलब ये है दैट एवरीबडी विल हेल्प एवरीबडी ठीक है इंटरडिपेंडेंस का मॉडल रहेगा कोई रेस नहीं चल रही है अच्छा अब ये आपको सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा और ये छोटे लेवल पे बड़ी अच्छी सी बात है लेकिन इसके बाद में नुकसान होते हैं इसके बाद में नुकसान क्या है इसका नुकसान ये है कि अगर आप कंपटीशन नहीं करेंगे तो एफिशिएंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगी ठीक है अगर आपको प्रॉफिट इंडिविजुअल नहीं मिलेगा तो आप, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि आप कभी ज़िंदगी में ज़्यादा के लिए एम ही नहीं करेंगे अब यहाँ हाँ ठीक है अच्छा करूँ ख़राब करूँ सैलरी उतनी मिलनी है तो क्यों मेहनत करूँ ठीक है एंड दैट इज़ वॉट विच एक्चुअली वॉज वन ऑफ द मोस्ट कोर डेट्रीमेंटल थॉट जिसने सोवियत यूनियन की पूरी पॉलिसीज को खराब किया ठीक है इसके कारण ही क्योंकि ये जो एफिशिएंसी थी ये लैक करने लगी ओवर द पीरियड देखा गया कि सोवियत यूनियन एक्चुअली बिकेम अ पुअर इकॉनमी एंड इट वाज ओनली बिकॉज कि उनके पास ऑयल और गैस एक्सट्रीम बहुत ज्यादा था उसको सेल करके उनको पैसे मिल जाते थे अदरवाइज उनकी इकोनमी की बहुत बुरी हालत थी ऑन द अदर हैंड अमेरिकन इकॉनमी वॉज डूइंग एक्सेलेंट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि नाइनटीन में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी ही बाद ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई यूनाइटेड स्टेट्स वॉज प्रोड्यूसिंग मोर देन फिफ्टी ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जितने भी पूरे दुनिया के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उसका 50 परसेंट से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में बन रहा था सो इज समथिंग जो आपको उसका आइडिया दे देगा अच्छा पर्सनल फ्रीडम की बात अमेरिका में मिली जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की लेकिन सोवियत यूनियन में इंडिविजुअल फ्रीडम की तो बात बहुत दूर की थी क्योंकि एवरी टाइम स्टेट द कम्युनिटी कम्स ऑन अब द इंडिविजुअल कम्युनिटी जो है वो हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल और इसके लिए ही आप उसको अच्छा कहें या खराब कहें लेकिन सोवियत यूनियन में पूरी सोसाइटी कंट्रोल थी इंडिविजुअल्स वर ऑलवेज ट्रैक्ड एंड उसके लिए आपको पता है सोवियत यूनियन में अलग अलग तरीके की एजेंसीज थी लाइक के लाइक एन ठीक है के एक्सटर्नल जैसे इंडिया में रॉ होती है और आई होती है रॉ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस होती है इंटेल आई जो होती है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है वो इंटरनल इशूज़ को हैंडल करती है सिमिलरली सोवियत यूनियन के साथ था के एन के वी डी वॉज फॉर सीक्रेट पुलिस विच हैंडल्ड इंटरनल अफेयर्स एंड के जीबी वॉज फॉर एक्सटर्नल इशूज ठीक है अच्छा अब अमेरिका में भी ऐसा था लेकिन पर्सनल फ्रीडम तब भी अमेरिका में बहुत ज्यादा थी आप सोवियत यूनियन को बिल्कुल उसमें कह सकते हैं कि इनकी गलती थी ठीक है फ्रीडम ऑफ द मीडिया यूनाइटेड स्टेट्स में बिल्कुल था सोवियत यूनियन में एक न्यूज पेपर छपता था जिसका नाम था प्रवडा ओके और उसी से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो मिलती थी उसके अलावा कुछ नहीं ठीक है वही न्यूजपेपर छप रहा है वही पढ़ लो ओके सो दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अच्छा वापस शुरू करते हैं कि सोवियत यूनियन के बीच में और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में झगड़ा शुरू क्यों हुआ? हर चीज 1945 में नहीं शुरू हुई थी उसके पहले भी इश्यूज़ थे सो लेट्स क्वेश्चन ओहो शुभम तो शायरी लिख रहे हैं क्या बात है शुभम ओके यार क्या हो रहा है ये ओके चलो ओके या चेतन एनके का जो लॉन्ग फॉर्म है वो मुझे भी नहीं याद है ठीक है वो एक रशियन वर्ड है काफी बड़ा सा ठीक है एनके का लॉन्ग uh, फॉर्म जो है वो बहुत बड़ा सा रशियन वर्ड है जैसे नाथसी पार्टी का लॉन्ग फॉर्म जर्मन वर्ड है जो उसको एक्चुअली जर्मन वर्कर्स पार्टी कहते थे लेकिन उसका भी लॉन्ग फॉर्म बहुत बड़ा सा जर्मन वर्ड है तो वो वर्ड तो मुझे भी नहीं याद है ओके या अरे ठीक है यार शायरी बीच में पढ़ लो कोई बात नहीं शक्ुंतला दिज इट एवर केम इन टू बीग शकुंतला नहीं यार वो उसमें प्रॉब्लम हो गई उतना कभी हो नहीं पाया सोसाइटी में टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज केपेबिलिटी और टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स में अगर आप जाओगे तो उसमें डिफ़िकल्टी क्या होती है कि हर आदमी ऐसा सोचता है ओ हो क्यों काम करें तो वो काम कम करता है और जब वो कुछ लेने जाता है स्टेट से तो वो कहता है थोड़ा और मिल जाए तो एक गैप बन जाता है जो कभी फुलफिल नहीं होता है ये जो थाट्स हैं ये यूटोपियन आइडियाज़ हैं जो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं खैर वापस आते हैं सब्जेक्ट पर स्क्रीन पर जो लिखा है ओके जस्ट जस्ट अ मोमेंट ओके शुभम प्लीज कैरी ऑन विद द स्टडीज डोंट स्पैम द क्लास ओके चलो एक बार बात करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं राइट हैंड साइड ऑन द टॉप दैट्स व्लादिमीर लेनिन ठीक है व्लादिमीर इल्याच उल्नोव उनका नाम था उनको लेनिन कहते हैं ठीक है अच्छा लेनिन के बारे में आपको एक और फैक्ट्स बता देता हूं कि लेनिन वो समवन जिनसे अडोल्फ हिटलर इंस्पायर्ड थे ठीक है और अडोल्फ हिटलर की वो जो चार्ली चैपलिन जैसी छोटी मूछ का आइडिया था वो भी उनको लेनिन से ही मिला था लेनिन की मूछ नहीं थी लेनिन की दाढ़ी थी लेनिन की दाढ़ी थी बड़ी सी बियर्ड ठीक है और उनकी मूछ मुच, मुश्तैश और उनकी जो बियर्ड थी इट वॉज एक्चुअली समथिंग जो लोग पहचान जाते थे सो इट वॉज समथिंग जो कि एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका बन गया नाइनटीन ट्वेंटीज़ में ओके एंड वेन अडोल हिटलर वॉज मेकिंग हिमसेल्फ रिप्रेजेंट मेकिंग हिमसेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जर्मन पीपल सम वन गेव हिम आई आइडिया कि यू शुड ऑल्सो डू समथिंग जिससे लोग दूर से पहचान जाए एंड देन फ्रॉम देयर ओनली द छोटी मूछ का जो आइडिया था ऐसे करके अडोल हिटलर की ऐसे मूछ थी ठीक है नाक के नीचे एकदम सो so, वो आइडिया वहीं से आया सो दैट इज समथिंग यू नीड टू नो अच्छा अब वापस आ जाओ काम पे बात करते हैं द बोल्शविक्स द बोल्शविक में देखो 1917 में रेवोल्यूशन हुआ 1919 में जाके पूरी तरीके से सिविल वॉर जो है वो खत्म हो पाई और बोल्शविक जो ग्रुप था ठीक है उन्होंने मैंशविक ग्रुप को हरा दिया और गवर्नमेंट मॉस्को में बना ली ठीक है सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग नहीं मॉस्को पे भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया ठीक है जो रशियन गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और इस तरीके से फर्स्ट सोशलिस्ट मूवमेंट कंप्लीट हो गया अब इसके बाद जो व्लादिमिर लेनिन ने अपनी बुक थी उनकी अप्रैल मैनिफेस्टो ठीक है so, सो उसमें जो उन्होंने चीज़ें लिखी थी वो उनको इंप्लीमेंट करनी थी अब उसमें उन्होंने एक सोशलिस्टिक फेडरलिज्म की बात की थी उन्होंने कहा था कि पूरे सो, जो कि रशियन था उसमें जितनी छोटे-छोटे नेशन होते हैं अलग अलग ग्रुप के लोग हैं उनको अपने लेवल पे फेडरलिज्म मिल जाएगी और यह चीज एक्चुअली लेनिन ने इंप्लीमेंट की और फाइनली 1922 में जो नई कंट्री बन के आई उसका नाम क्या रखा गया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स मतलब सारे के सारे छोटे छोटे रिपब्लिक बना दिए गए वेदर इट इज़ बेलारूस वेदर इट इज कजाकिस्तान इट इज़ किर्गिस्तान वेदर इट इज़ जॉर्जिया वेदर इट इज यूक्रेन ये सारे लोगों को एक रिपब्लिक बना दिया गया और रिपब्लिक बनाने के साथ साथ ऑल दे वर वर एक्चुअली आंसरेबल टू मॉस्को बिकॉज मॉस्को में फिर इनकी फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट बनी कम्युनिस्ट कंट्रोल के अंदर ठीक है सो ये नाइनटीन में बना दिया गया पूरे का पूरा सिस्टम चलो प्रॉब्लम क्या हुई प्रॉब्लम ये हुई कि आ, 1933 थर्टी थ्री ठीक है अब आव... 1933 तक यूनाइटेड स्टेट्स ने सोवियत यूनियन को नेशन स्टेट एक्सेप्ट ही नहीं किया जैसे अभी बार बार न्यूज में आता है ना कि इसराइल को यू ने अभी एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया है अभी अभी अ, क्या कहते हैं बहरेन से उनकी बात चल रही थी अभी उसने एक्सेप्ट किया है सो so, इसी तरीके से ऑल दो सोवियत यूनियन नाइनटीन में बन गया था नाइनटीन तक सोवियत यूनियन को यूनाइटेड स्टेट्स ने एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया था वो अभी भी रशिया को एज अ एम्पायर मानते थे और ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए जिस जो कि जार का सक्सेसर बन जाए और इस चीज से एक्चुअली सोवियत यूनियन की जो लीडरशिप थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी उनका था कि ये हमारी नहीं एक्सेप्ट कर रहे सो हम इनके साथ बिजनेस कैसे करेंगे ठीक है अब उसके पीछे रीजन दूसरा था उसके पीछे रीजन ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स अगर सोवियत यूनियन को एक्सेप्ट कर लेता सो so कम्युनिज्म को फेस देना पड़ता और वो वो नहीं चाहते थे ठीक है सो 1933 तक सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था इट वाज ओनली व्हेन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट केम इन पावर इन जनवरी नाइनटीन ही ओनली अलाउड रिलेशनशिप विद सोवियत यूनियन उसके पहले जितने भी प्रेसिडेंट थे उन्होंने कभी भी Uh, जैसे 1932 तक टू प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट हु उन्होंने कभी भी परमिशन नहीं दी ठीक है अब चलो आगे देखो द सीड्स ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन नियर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट क्योंकि अमेरिका है डिपेक्टेड सोवियत यूनियन एज अ डेबल इनकारनेट बिकॉज अमेरिका वॉज अ 1919 में ही अमेरिका ने प्लान कर लिया था दैट दे हैव टू वर्क ऑन कैपिटलिस्ट मॉडल और उनको पता था कि अगर सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन लोगों ने करनी शुरू कर दी सो so अमेरिकन जो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो स्टैंड नहीं कर पाएगा और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने नाइनटीन नाइनटीन से ही अमेरिका में ये बात उनका स्टेट प्रोपागेंडा हो गया कि कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म ये सारे वो आइडियाज जो कि रशिया में चल रहे हैं ये सारे आइडियाज गलत हैं और इससे लॉन्ग टर्म में सिर्फ लॉस ही होगा ठीक है एंड सेम थिंग वाज डन देन अब जब यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है तो सेम थिंग वाज डन बाय सोवियत यूनियन आल्सो सो 1919 के बाद से ही यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन में एक प्रोपेगेंडा की लहर आ गई दोनों कंट्री एक दूसरे के बारे में अपने ही सिटीजंस को गलत बात बता रहे थे ठीक है लेकिन इसके बाद एक पूरा फेज आया जब यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका की दोस्ती भी हो गई अच्छा ये दोस्ती कब हुई आप समझ लें सो so ये दोस्ती हुई 1941 में ठीक है 1939 में नहीं 1941 में ठीक है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 1939 में तो अडोल्फ हिटलर वाज ऑन वेरी गुड टर्म विद जोसेफ स्टेलिन ओके और जर्मनी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के भी इतने कोई खराब रिलेशनशिप नहीं थे अगर आप जाके हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका में भी 1936 तक जो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग थे उनके ऊपर साइंटिफिक टेस्ट किए जा रहे थे तो वो भी उतने कोई अच्छे नहीं थे बस वो वॉर जीत गए थे ठीक है सो 1939 में ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही अमेरिका और सोवियत यूनियन साथ में आ गए थे वॉर 1941 तक चलती रही नाइनटीन के जून में जब ब्रिटेन जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया और उसके बाद से दिसंबर तक भी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में रिलेशंस नहीं थे इट वाज ओनली व्हेन दिसंबर में जापान ने अटैक किया जापान ने अटैक किया किस पे पर्ल हार्बर पे और उसके बाद एथ ऑफ दिसंबर 1941 में रूजवेल्ट uh, ने अनाउंस किया कि अमेरिका इज एट वॉर एट विद जापान उसके अगले दिन जर्मनी ने अमेरिका पे वॉर डिक्लेयर uh, कर दी अब जब जर्मनी ने अमेरिका पे वॉर डिक्लेयर की दिसंबर 1941 में सो so, क्योंकि जर्मनी अमेरिका से भी वॉर पे है और जर्मनी रशिया से भी वॉर पे है सो so, इसलिए अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों साथ में आ गए दिसंबर 1941 उसके पहले दोनों कंट्रीज साथ में नहीं थी यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओके बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ओके okay? हाँ ट्रिक्स टू रिमेंबर ईयर अच्छा विनायक ने पूछना है विनायक ट्रिक्स कैसे यार ट्रिक्स तो नहीं है मैं कहानियों की तरह सुना सकता हूं देखो वॉर शुरू कब हुई वॉर शुरू हुई 1939 में ठीक है अब इसको इस तरीके से समझ लो कि 1933 में uh, 1929 में पहले ग्रेट डिप्रेशन आया 1929, ठीक है 1933 में उसके बाद फिर क्या हुआ अडोल्फ हिटलर पावर में आए और 1933 के जनवरी में ही फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी पावर में आए थे ये दोनों चीजें एक ही साल में हुई थी ठीक है 1936 में बर्लिन में ओलंपिक्स हुए थे ये वही वाले ओलंपिक्स थे याद रखिएगा जहां पे ध्यानचंद गए थे इंडिया की तरफ से हॉकी खेलने और वो फेमस किस्सा आपको पता है कि इंडिया जो है वो जर्मनी की टीम से जीत रहा था ठीक है सो वो चीज़ें नाइनटीन थर्टी में हुई थी वॉर कब स्टार्ट हुई नाइनटीन में ठीक है और अमेरिका कब इन्वॉल्व हुआ वॉर में दिसंबर नाइनटीन में ठीक है सो यहाँ की आपको एक बार वापस जब आप डिटेल में पूरी की पूरी पीपीटीज को रिवाइज करेंगे सो यू विल बी एबल टू रियलाइज इट ओके सो देयर फ्रेंडशिप ड्यूरिंग द वॉर वॉज सिंपली द रिजल्ट ऑफ हैविंग अ म्यूचुअल एनिमी दैट्स अ जर्मनी इसके अलावा कोई और रीजन नहीं था इनके साथ में आने का ठीक है अच्छा अब आगे देखो हाँ अब आगे देखो द द दॉेज ऑफ कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर के मेन रीजन क्या थे सो कोल्ड वॉर के मेन रीजन थे पहले तो ट्रूमेन डॉक्ट्रिन

अब ट्रूमेंट ने क्या प्लान बनाया ट्रूमेट ने प्लान बनाया कि उनको रीबिल्ड करना है कैसे यूरोप यूरोप को रीबिल्ड क्यों करना है दो रीजन पहले तो यूरोप ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है अमेरिका से अगर यूरोप को रीबिल्ड नहीं किया तो यूरोप पैसा कहां से वापस करेगा दूसरी बात अगर यूरोप को रीबिल्ड नहीं किया तो यूरोप के अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा और वापस से वही चीज होगी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप पूरी तरीके से रीबिल्ड नहीं हुआ और दिस वॉज द वन ऑफ द रीजन की सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ सो ट्रूमेंट को पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए जरूरी है कि यूरोप को रीबिल्ड किया जाए सो रीबिल्डिंग यूरोप वॉज द मेन एम रीबिल्डिंग यूरोप में ट्रूमैन की एक आइडिया ये थी कि इकोनॉमिकली हम रीबिल्ड कर देंगे यूरोप को पॉलिटिकली रीबिल्डिंग यूरोप वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और पॉलिटिकल रीबिल्ड में उनको ये काम करना था कि यूरोपियन कंट्री शुड बी रिपब्लिक यूरोपियन कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक यूरोपियन कंट्री कम्युनिस्ट ना बन जाए और ये करने के लिए ट्रूमैन डॉक्टरिन बनाई गई जिसमें यह डिसाइड किया गया कि जैसे भी जहां भी कहीं भी अगर कोई कम्युनिस्ट कंट्री है सो उनको अपोज करना ही यूनाइटेड स्टेट्स का मेन एजेंडा होगा ये Truman Doctrine का fundamental idea है है ठीक उसके बाद यूरोप को रिकवरी कराने के लिए इकोनॉमिक रिकवरी के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए गए जैसे कि मार्शल प्लान अब मार्शल प्लान क्या था अभी मैं आपको बताता ठीक है एक पूरी स्कीम थी जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने नाइनटीन में थर्टीन बिलियन डॉलर ठीक है यूरोप को दिए थर्टीन बिलियन डॉलर उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था इमेजिन करिए अभी पाकिस्तान जब आई से लोन लेता है तो छह बिलियन डॉलर का लेता है ठीक है थर्टीन बिलियन डॉलर नाइनटीन में बहुत बड़ा अमाउंट था ठीक है so, सो यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए अमेरिका ने थर्टीन बिलियन डॉलर का लोन दिया ठीक है सोवियत ट्रूप ऑलरेडी ईस्टर्न यूरोप में थी ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप में एक करोड़ दस लाख सोवियत आर्मी के ऑफिसर्स थे एंड दैट वॉज अ थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके इट सेल्फ कि अरे ये यहां बैठ जाएंगे सो पूरे का पूरा रीजन उनके कब्जे में चला जाएगा और इसीलिए मार्शल प्लान बहुत जरूरी था कि आप इकॉनमी को अगर अमेरिकन सिस्टम के साथ मर्ज कर लेंगे सो फिर जो लोकल लोग हैं

ही इज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड जोसेफ स्टेलिन ये नाइनटीन फोर्टी फाइव में थे स्टेलिन केप्ट ऑन इन पावर टिल नाइनटीन फिफ्टी थ्री जब तक स्टेलिन की डेथ नहीं हुई लेकिन फ्रेंकलिन uh, रूजवेल की डेथ uh, उसी टाइम हो गई नाइनटीन फोर्टी फाइव में और उसके बाद से लीडरशिप चेंज हो गई ठीक है और विंस्टन चर्चिल लॉस्ट द इलेक्शन इन नाइनटीन फोर्टी फाइव एंड दैट्स वाई ब्रिटिश लीडरशिप भी चेंज हो गई ठीक है तो so, 17 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में जो पोस्डेम में कॉन्फ्रेंस हुई थी पोस्डेम कहां पे है पोस्डेम है जर्मनी में ये मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास में पोस्डेम एक्चुअली पोस्डेम में फर्स्ट काइजर विलहम जो जर्मनी के पहले किंग थे उनकी फोर्ट थी उस फोर्ट के अंदर ये मीटिंग हुई थी एक बार जब जर्मनी ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था इस मीटिंग में तीनों लोग थे इसके बाद से देखो लीडर ऑफ द कोल्ड वॉर पूरे के पूरे 1945 फार्ट से लेकर 1989 तक के जो भी लीडर्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है इसको ध्यान से देख लें ठीक है चेतन आ रहे हैं आयरन कर्टन पे आ रहे हैं एक मिनट ठीक है अभी मैं आपको पूरे विंस्टन चर्चिल की स्पीच के बारे में बताता हूं आयरन कर्टन कैसे इजाद हुआ ठीक है सो देखो 1945 फोर्टी फाइव वॉज इन पावर सोवियत यूनियन में कौन था पावर में स्टेलिन वॉज इन पावर ठीक है और चाइना में कौन था पावर में चाइना में माओ केम टू पावर इन नाइनटीन ठीक है अब देखो चाइना बड़ा इजी सी बात है क्योंकि चाइना में सिर्फ दो ही लीडर रहे पूरे के पूरे कोल्ड वॉर के टाइम में क्योंकि 1949 जब से चाइना बना तब से 1976 तक माओ वाज़ द हेड ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड ही वाज़ द चेयरमैन एंड आल्सो द प्रेसिडेंट ऑल प्रेसिडेंट की पोस्ट चाइना में चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी से नीचे होती है ये चीज आपको पता होनी चाहिए

जो लीडरशिप थी उनके बीच में इशूज चल रहे थे सो so, स्टेलिन 1929 से 1953, 1953 से 1954 तक निकिता क्रुस्चेफ ओके वाज़ इन पावर फ्रॉम 1964 टू 1985 ब्रेजनेफ इन पावर 85 से 91 तक गोरबा चौफ इन पावर और जैसे ही वॉर खत्म हो रही थी बोरिस येल्सन, जब वॉर खत्म हुई सो येल्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरल फेडरल स्टेट ओके इन 1991 और जेल्सन के बाद फिर पुतन आगे हैं वो कहानी हम अलग से सुनाएंगे चलो यूएसए की बात कर लेते हैं यूएसए में लीडरशिप कैसे चेंज हुई समझ लें एक बार सो अंजुम गोइंग ऑन, देइंग ऑनज सिंह की इस समय लीडरशिप में कौन लोग थे आई एम जस्ट टेलिंग की राइट नाउ कौन से लोग लीडरशिप में थे जो चीजें हो रही हैं बहुत कुछ हुआ है चाइना में दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द चाइना सेक्शन चाइना की क्लास मैंने खत्म कर दी है द रिकॉर्डेड वीडियो इज ऑलरेडी यू कैन वॉच इट ठीक है चाइना की क्लास हमने कंप्लीट किया उसमें हमने कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में बात की है उसमें हमने माओ के थाउ हंड्रेड फ्लावर्स विल ब्लूम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है बाकी चीजें हमने उसमें डिस्कस की हैं ठीक है, है? तो यूएसए यू में देखो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो 1933 के जनवरी में पावर आए उनकी डेथ हो गई अपने फोर्थ टर्म में जनवरी फरवरी uh, 1945 में अब अंडरस्टैंड दिस रूजवेल्ट वाज़ द ओनली प्रेसिडेंट जो कि चार टर्म लगातार इलेक्शन जीते थे और उसके बाद से एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि कोई भी प्रेसिडेंट दो टर्म से ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का में कंटिन्यू नहीं कर सकता अब उसके बाद हैरी एस स्टूमेन बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट उन्होंने भी दो टर्म कंप्लीट किए 1953 तक वो पावर में रहे इसके बाद वही आइजनहार ड्वाइट दी आइजन जो कि डी डे के टाइम अमेरिकन और पूरी की पूरी आर्मी के अलाइड फोर्सेस के हेड थे वो इलेक्शन लड़ते हैं और वो नए प्रेसिडेंट बनते हैं और वो 1953 से 1960 तक प्रेसिडेंट रहते हैं उसके बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी इलेक्शन जीतते हैं और 1960 नाइनटीन सिक्सटी में उनको एसेसिनेट कर दिया जाता है उनकी किलिंग हो जाती है उसके बाद जॉन एफ कैनेडी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ठीक है जॉनसन लिंडन जॉनसन वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं 63 से 69 तक लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट रहते हैं 69 में लिंडन जॉनसन जब वापस इलेक्शन लड़ते हैं तो वो इलेक्शन हार जाते हैं ठीक है इलेक्शन वो हार जाते हैं और उसके बाद फिर कौन पावर में आता है फिर पावर में आते हैं रिचर्ड निक्सन अच्छा रिचर्ड निक्सन एक बार 1953 से 1966 तक आइजनहावर के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ठीक है, रिचर्ड निक्सन 1969 में आते हैं 1972 तक उनका पहला टर्म था जो उन्होंने कंप्लीट किया सेकंड टर्म जब उनका चल रहा था तब उनके ऊपर इंपीचमेंट के लिए ट्रायल हुआ और इंपीचमेंट प्रोसेस खत्म होने से पहले रिचर्ड निक्सन ने रिजाइन कर दिया ठीक है एंड ही लेफ्ट और फिर रिचर्ड निक्सन के जो वाइस प्रेसिडेंट थे फॉर्ड फोर्ड ठीक है वो बन गए नए प्रेसिडेंट फोर्ड के बाद फिर जिमी कार्टर इलेक्शन जीतते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से 1977 से 1980 और उसके बाद रोनल्ड रीगन जो रिपब्लिकन uh, पार्टी के थे वो दो टर्म कंप्लीट करते हैं 1981 से 1988 तक 1989 में रोनल रीगन के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश बिकेम द प्रेसिडेंट एंड जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश वॉज द प्रेसिडेंट जब सोवियत यूनियन को फॉल होता है और पूरी की पूरी कोल्ड वॉर खत्म होती है हम और डिटेल में जा रहे हैं मैं बस आपको लीडरशिप एक बार याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझ लीजिए कि कब कब कौन लीडरशिप थी अब जैसा कि आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है सो वहां पर लीडरशिप कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ठीक है इससे थोड़े नाम ज्यादा हैं याद करने के लिए ओके या 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 अंजुम जस्ट डू इट ओके चलो स्टेलिन का रूल जो था अब जैसे जोसेफ स्टेलिन हिमसेल्फ ही वाज बोर्न इन 1878 एंड डाइड इन 1953 ओके जोसेफ स्टैलिन उनका नाम एक्चुअली स्टेलिन नहीं था स्टेलिन का मतलब होता है रशियन में मैन ऑफ स्टील ठीक है मैन ऑफ स्टील एंड उनको जोसेफ स्टेलिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन कहा जाता था ही वॉज अ वेरी स्ट्रांग मैन उनके बारे में ऐसी बातें फैला रखी थी लोगों ने कि उनको सात बार जाद ने साइबेरिया के जेल में गुलाग में बंद किया था और वो सात बार वहां से भाग के आ गए थे अब ये सब बातें बनाई जाती हैं लीडर्स को ऐसे बड़ा बनाने के लिए ऐसा हुआ नहीं होगा कि गुलाग से कोई सात बार भाग के आया हो बट ठीक है ठीक है सो जोसेफ स्टेलिन हु स्टार्टेड फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग्स हिज फा हिज मदर वॉज अ मेड एंड हिज फादर वॉज अ कॉबलव ओके एंड देन ही एंडेड अप बींग द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ऑफ रशिया ओके okay? फ्रॉम 1922 to टू was the dictator leader of द डिक्टेटर लीडर ऑफ सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी फ्राम नाइटी ट्वेंटी टू जैसा कि मैंने आपको बताया 1922 लिखा है लेकिन 29 में ही एक्चुअल पावर उनके हाथ में आ पाई थी ठीक है यही वो लीडर थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के में भी सोवियत यूनियन को लीड किया ग्रेट डिप्रेशन में भी लीड किया और इन्हीं की लीडरशिप के अंदर आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सोवियत पॉपुलेशन की डेथ भी हुई ओके okay? ट्रूमैन ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जिसकी मैं बात कर रहा था तो ट्रूमैन जो कि थर्टी थर्ड प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स के ठीक है और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट एक्शन लेंगे बाय टेकिंग एक्शन अगेंस्ट कम्युनिज्म सो हिज पॉलिसी वॉज टू हेल्प वॉर एफर्ट्स अगे इन यूरोप टू रेजेस्ट सोशलिस्ट थ्रेट जहां भी होगा वहां पे मार्शल प्लान क्या था मार्शल प्लान इज द प्लान अंडर विच ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का पार्ट था इसके अंदर जॉर्ज सी मार्शल जो कि एक डिफेंस अटैचे थे और बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने यूनाइटेड स्टेट्स के यानी यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन मिनिस्टर इनके नाम पे क्योंकि इन्होंने ये आइडिया सजेस्ट किया था ठीक है थर्टीन बिलियन डॉलर का एड दिया गया यूरोपियन कंट्रीज को ताकि यूरोपियन कंट्रीज में वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके ताकि वहां पे वापस से बिजनेस स्टार्ट हो सके ठीक है यही साइकिलिंग प्रोसेस होता है कैपिटलिज्म में आपको पता है इकोनॉमी में कि आपको कैसे साइकिल ही रन करनी होती है ना भाई कि अगर डिमांड कब होगी जब सप्लाई होगी सप्लाई कब होगी जब डिमांड होगी ठीक है so सो कहीं स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए आपको इकोनॉमी में पैसे डालने पड़ेंगे लोगों के हाथ में जब आप पैसे देंगे तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो वो उसको कंज्यूम करने के लिए डिमांड करेंगे जब डिमांड करेंगे तो नई फैक्ट्रीज बनेंगी नई फैक्ट्रीज बनेंगी तो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनको उसकी पेमेंट होगी जब पेमेंट होगी तो वो और डिमांड करेंगे और साइकिल चलने लगेगी ओके सो उसके लिए इनिशियल पैसे चाहिए वो आए मार्शल प्लान से ठीक है अब देखो डिवीजन ऑफ जर्मनी की बात कर लेते हैं अगेन जो जर्मनी को डिवाइड किया गया था ठीक है सो ऑक्यूपेशन जोन की तरह इसको ट्रीट किया गया जो चार पार्ट में अल्टीमेटली जर्मनी डिवाइड हो गया था आ, एक पार्ट सोवियत यूनियन के पास ठीक है रेड वाला ये वाला सोवियत यूनियन के पास ये आ, ये जो पार्ट है ब्रिटेन के पास नॉर्दर्न पार्ट सदर्न पार्ट जो है वो अमेरिका के पास और जो सबसे फ्रेंच बॉर्डर के साइड में है वो फ्रांस के पास दे दिया गया ठीक है एट द एंड ऑफ द सेकेंड और ये ऑक्यूपेशन जोन की तरह ट्रीट किया गया से 49 तक ठीक है इसके बाद क्या होगा तो इसके बाद प्लान तो ये था कि जर्मनी को वापस से इंडिपेंडेंट कर दिया जाए लेकिन नाइनटीन फोर्टी नाइन में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए थे क्योंकि नाइनटीन फोर्टी नाइन में ही सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर वेपन बनाया था सो अंडर सच सर्कमस्टांसेस वापस से ईस्ट जर्मनी को वेस्ट जर्मनी से कनेक्ट करना इंपॉसिबल हो गया था और इसीलिए अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने हिस्से के जर्मन रीजन को आपस में जोड़ लिया एंड दैट बिकेम वेस्ट जर्मनी ऑन द अदर हैंड जो एरिया किसके पास था सोवियत यूनियन के पास दैट बिकेम ईस्ट जर्मनी दोनों अलग अलग कंट्रीज बन गई ठीक है इसके साथ साथ बर्लिन शहर को भी बांट दिया गया था अब जब पूरी तरीके से कोल्ड वॉर शुरू हो गया तो आप देख सकते हैं ऑल द ब्लू कलर थिंग्स आर द कंट्रीज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट्स में है एंड ऑल द रेड कलर कंट्रीज आर द कंट्रीज जो कम सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रही हैं एंड चाइना इज इन येलो ठीक है सो चाइना so, वाली वो येलो वाली वो कंट्रीज हैं जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं लेकिन वो हर बात में सोवियत यूनियन को सपोर्ट नहीं करती किसी बात पे करती हैं किसी बात पे नहीं करती सो so, येलो में कौन सी कंट्रीज हैं चाइना है वियतनाम है कंबोडिया है, है और युगोस्लाविया है ध्यान से देखिए इस मैप में छोटी छोटी कंट्रीज हैं कई सारी यूनाइटेड स्टेट्स का तो सिंपल सी बात है पूरे का पूरा साउथ अमेरिका ठीक है और अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट यूरोप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ठीक है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बाकी जो अफ्रीका की कंट्री है हैं ईस्ट की कंट्री है इंडिया है ये नॉन अलाइन मूवमेंट में चले जाएंगे 1961 के बाद से ठीक है लेकिन उसके पहले और कंट्रीज जो है वो यहां पर देखो अभी यहां पर क्या होगा इनिशियली चाइना मंगोलिया ठीक है वियतनाम कंबोडिया यहां पर युगोस्लाविया और यहां पे क्यूबा ओके क्यूबा क्योंकि 1959 में वहां पे कू हो गया था क्यूबा सो ये सारी कंट्रीज जो है ये सोवियत यूनियन का सपोर्ट करती थी कम्युनिस्ट थी लेकिन सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं थी और ना ही उनकी सेटेलाइट स्टेट थी ठीक है ऑन द अदर हैंड बाकी आप देख रहे हैं कि नेटो का मेंबर्स कैसे कौन कौन सी कंट्री बनेंगी ईस्टर्न <coughs> ब्लॉक अब इसको वही कहते हैं ईस्टर्न ब्लॉक किसको कहते हैं ईस्टर्न ब्लॉक मतलब वो सारे एरियाज जो कि यूरोप में थे यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में थे सोवियत यूनियन की बात मानते थे लेकिन सोवियत यूनियन के पार्ट नहीं थे दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सेटेलाइट स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन ठीक है एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंड वर्ल्ड तो वो वाला फेमस आपने डिवीजन सुना है फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड ठीक है तो आपने हमेशा सुना है अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री लाइक जैसे ब्रिटेन हो गया अमेरिका हो गया स्वीडन हो गया इटली हो गई जर्मनी हो गई फ्रांस हो गई दीज आर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ठीक है इंडिया को हमेशा थर्ड वर्ल्ड में कमाना जाता है <coughs> इंडिया थर्ड वर्ल्ड में आता है सेकेंड वर्ल्ड में क्या आता है सेकेंड वर्ल्ड में कंट्रीज है सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड वो अलग ही थे बैठे हुए थे हम नॉन अलाइन मूवमेंट बना रहे थे ठीक है सो ईस्टर्न ब्लॉक का मैप देख लें आप एक बार यहां पे आपको कंट्रीज ढंग से समझ में आ जाएंगी <coughs> कुछ दिन बाद यूगोस्लाविया ने सोवियत यूनियन का सपोर्ट करना छोड़ दिया कुछ दिन बाद यूगोस्लाविया ने सोवियत यूनियन का सपोर्ट करना छोड़ दिया क्योंकि इनके जो लीडर थे उनका नाम था जोसेफ ब्रांड टीटो जिनको मार्शल टीटो भी कहा जाता है मार्शल टीटो ठीक है मार्शल टीटो ने नॉन अलाइन मूवमेंट ज्वाइन कर ली और यूगोस्लाविया जो है वो इनके ग्रुपिंग से बाहर हो गया सो अब सोवियत यूनियन के सेटेलाइट स्टेट कौन से बचे पोलैंड चकोस्लोकिया हंगरी रोमानिया बुल्गेरिया और ईस्ट जर्मनी वही ईस्ट जर्मनी जो जर्मनी का कटा हुआ हिस्सा था ठीक है ये बन गया सैटेलाइट स्टेट सोवियत यूनियन के और अल्बेनिया जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी लेकिन वो सोवियत यूनियन का हमेशा सपोर्ट नहीं करते थे वो नाइनटीन तक उनका सपोर्ट कर रहे थे और युगोस्लाविया ने नाइनटीन में ही सोवियत यूनियन का सपोर्ट करना बंद कर दिया था वैसे यूगोस्लाविया ने 1945 के बाद से ही सोवियत यूनियन का सपोर्ट करना बंद कर दिया था मार्शल टीटो वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ जोसेफ स्टालिन ओके अब देखो आयरन कर्टन की बात अभी किसी ने पूछी थी आयरन कर्टन एक्सप्लेन आयरन कर्टन क्या था कैसे बना क्या हुआ सो आयरन कर्टन एक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट थियोरी ये हाइपोथेसिस ये दी थी विंस्टन चर्चिल ने अब देखो विंस्टन चर्चिल का भी ऐसा था ना वो लाइफ एंजॉय करने लगे थे 1945 के जुलाई में यूनाइटेड किंगडम में इलेक्शन हुए और विंस्टन चर्चिल इलेक्शन हार गए ठीक है चर्चिल इलेक्शन हार गए हमेशा याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बने थे एंड दैट वाज इन 1950 1950 में वो विंस्टन चर्चिल इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बने थे इसके अलावा 1940 में वो एंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे और नाइनटीन में वो इलेक्शन हार गए थे ठीक है विंस्टन चर्चिल वही लीडर है जिनको जब वॉर वो हारे तो उन्होंने एक बहुत फेमस कोट है उनके बारे में उन्होंने ये उनसे जब पूछा गया कि अब आप करेंगे क्या तो उन्होंने कहा कि द प्रॉब्लम विद द प्रॉब्लम सॉल्वर्स इज वट टू डू विद वंस द प्रॉब्लम इज सॉल्व ठीक है मतलब उन लोगों के साथ जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके साथ करे क्या सोसाइटी जब एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड दैट वाज द प्रॉब्लम विद विंस्टन विदर्च की विंस्टन चर्चिल एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं जो कि ब्रिटेन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए लेकिन एक बार जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई और ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर जीत गई उसके बाद से विंस्टेंट चर्चिल का क्या हो किसी को समझ में नहीं आ रहा था खैर 1946 में विंस्टेंट चर्चिल ने वापस से ट्रिप लेनी शुरू की वर्ल्ड ओवर और वो कहाँ गए वो गए यूनाइटेड स्टेट्स अब क्योंकि विंस्टेंट चर्चिल वाज अ सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी आल्सो इन यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि फ्रैंकलिन रूजवर्ल्ड के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे ओके सो विंस्टेंट चर्चिल वैन ही वेंट ही वेंट ऑल अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स सारी यूनिवर्सिटीज़ में सारी जगह उन्होंने स्पीचेस दी और उसी में एक यूनिवर्सिटी थी फुलटन यूनिवर्सिटी इन मजूरी मजूरी एक स्टेट है ठीक है मजूरी एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स में और वहाँ पे उन्होंने जाके स्पीच दी और वहां पे उन्होंने स्पीच में अपने कुछ बात कही वो आई कोट इट फ्राम द फ्रॉम स्टेटन इन द बेल्ट टू द ट्रस्टी इन द एड्रियाटिक एंड आयरन कर्टन हैज बीन डिसेंडेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ठीक है अब ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया ना इन्होंने क्या कहा तो अब देखो मैप में समझ लो यहाँ पे फिनलैंड के एकदम बॉर्डर पे ऊपर एक जगह है वहां से लेके इन्होंने कहा एड्रियाटिक सी तक ठीक है नॉर्थ सी से लेके एड्रियाटिक सी तक इन्होंने हाईलाइट किया उन्होंने कहा कि एक तरीके का आयरन कर्टन लगा रखा है किसने सोवियत यूनियन ने यूएसएसआर ने ठीक है और उस आयरन कर्टन में क्या है वो रेड आयरन कर्टन है रेड आयरन मतलब उसकी दूसरी तरफ ओके और उन्होंने कहा कि दे आर ऑलवेज अ थ्रेट टू अस एंड आवर डेमोक्रेसी एंड आवर रिपब्लिक सिस्टम ठीक है यूनाइट टू स्टॉप रशियंस चर्चिल वॉर्न्स एट फोल्टन ये वो उस दिन की पेपर की क्लिपिंग है जहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ से वो पूरे के पूरे आयरन कर्टन का कॉन्सेप्ट आया जब सोवियत uh, यूनियंस के अगेंस्ट विंस्टन चर्चिल ने सपोर्ट गेन करने की कोशिश की कहाँ जाके यूनाइटेड स्टेट्स में नाव यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर चर्चल इज कमिंग फ्रॉम चर्चल की रिस्पेक्ट इसलिए हो रही है बिकॉज चर्चिल वॉज ऑल्सो द लीडर जिन्होंने नाइनटीन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट से ही ये बोलना शुरू कर दिया था कि अडोल्फ हिटलर इज नॉट वर्थ सपोर्टिंग अडोल्ट हिटलर जब इलेक्शन हार रहे थे 1926-27 में तभी अडोल्ट हिटलर के अगेंस्ट यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल में आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए थे एंड इट इसीलिए जब उन्होंने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बात की तो एवरी वन टुक हिम वेरी सीरियसली ठीक है आफ्टर दैट फ्रेज आफ्टर दैट द फ्रेज आयरन कर्टन गेन पॉपुलैरिटी एंड बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यूरोप को आयरन कर्टन से ही डिवाइड करना माना जाने लगा ठीक है ये कॉन्सेप्ट वहाँ डेवलप हो गया अच्छा आ, प्रभाकर सिंह सर अब क्या पढ़ा रहे हो अब तो क्लियर हो गया यूपीएससी भरोसा अरे प्रभाकर आ, आगे तो पढ़ना पड़ेगा ना मेंस भी तो देना पड़ेगा ना ठीक है मेंस भी तो देना पड़ेगा नहीं प्रभाकर कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ विल बी लो कट ऑफ विल बी लाइक लेस देन हंड्रेड ऑल्सो डोंट वरी ठीक है चलो सो हैज बिगिन ठीक है इशू शुरू हो गए और 1948 में ही पूरे का पूरा इशू शुरू हो गया ठीक है सो बर्लिन ब्लॉकेट शुरू हुआ 1949 में ठीक है तो बात करते हैं इसकी कैसे शुरू हुआ क्या हुआ आ, अब देखो 1948 में सोवियत यूनियन ने पहले तो रोकने की कोशिश की उन्होंने क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे कि मैंने आपको बताया बर्लिन शहर जो था वो ओपन सिटी थी और बर्लिन शहर के दो चार पार्ट कर दिए गए थे चारों पार्ट को जोड़ के दो पार्ट बना दिए गए एक पार्ट किसके पास था सोवियत यूनियन के पास और एक पार्ट था ये तीनों कंट्रीज ऑर्गेनाइज कराती थी सो so, बहुत सारे लोग जो सोवियत यूनियन वाले यानी ईस्ट जर्मनी में रहते थे वो बर्लिन शहर में दूसरी तरफ चले जाते थे और वहां से फिर वेस्ट जर्मनी चले जाते थे और इस चीज से प्रॉब्लम हो रही थी किसको यूएसएसआर <coughs> को सो नाइनटीन फोर्टी में ही सोवियत यूनियन ट्राइड टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ फ्रांस ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ओवर बर्लिन कैसे पहले उन्होंने पूरे के पूरे बर्लिन शहर को ब्लॉक कर दिया ठीक है क्योंकि अगर आपको बर्लिन पहुंचना है अगर आपको बर्लिन पहुंचना है तो आपको ईस्ट जर्मनी के अंदर से जाना पड़ता था तो उन्होंने ये पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया ओके अब आप अब, अब बर्लिन में आओगे कैसे ऑल दो ठीक है बर्लिन के बीच में आपके पास अपना एक आइलैंड है एक तरीके से लेकिन बर्लिन आओगे कैसे जब रास्ता ही बंद है अब इसको एक तरीके से थ्रेट की तरह किसने लिया यूनाइटेड स्टेट्स ने और जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स के उस समय प्रेसिडेंट थे ट्रूमिन टूमन ने कहा कि हम कोई बात नहीं करने वाले क्योंकि उस समय बर, ज, आ, प्लान क्या था सोवियत यूनियन का प्लान था कि यहाँ कहीं ऊपर नीचे कहीं कोने में थोड़ा सा लैंड दे, दे देंगे और बर्लिन शहर पूरी तरीके से ईस्ट ईस्ट जर्मनी का पार्ट बना देंगे लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और उसके बाद शुरू हुआ बर्लिन एयरलिफ्ट ना बर्लिन एयरलिफ्ट के बारे में जान लीजिए क्या था अलग से आपको सुनाई देगा ये वो फेमस कार्टून है जो ब्रिटिश टेलीग्राफ ने पब्लिश किया था कि बर्लिन शहर में ठीक है स्टेलिन हिमसेल्फ इज स्टैंडिंग विद ए शॉर्ट गन और ऊपर से श, आ, स्वान और शार्क देखें ये क्या कर रहे हैं ये लेके आ रहे हैं पैसे कोल एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड हैज बीन बॉट बाय प्लेन्स एंड एक्चुअली दिस हैपेंड क्या हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर एक पूरी तरीके से एक साल तक बर्लिन शहर में जो भी चीज़ें की जरूरत थी हर एक चीज प्लेन से प्रोवाइड कराई दे आर यूज टू बी प्लेन ऑन वेस्ट जर्मनी इन सिटीज ऑफ म्यूनिक एंड इन सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट्स के ऊपर प्लेन्स खड़े रहते थे लाइन से और उसके अंदर एवरीथिंग फ्रॉम पीने का पानी टू कोल ठीक है इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको कोल चाहिए तो कोल से लेके खाने तक एवरीथिंग वाज सप्लाइड फ्रॉम एरोप्लेन अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन राइट नाउ कोल इज नॉट सप्लाइड बाय प्लेन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा लेकिन इन दोस्त टाइम यूनाइटेड स्टेट ने डिसाइड किया कि एवरी विल बी प्रोवाइडेड एक साल तक एवरी थिंग ठीक है फ्रॉम अ हेयर हेपेन टू कार्स एवरीथिंग वॉज अप्लाइड टू बर्लिन सिटी फ्रॉम विद एरोप्लेन बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स वॉज अश्योर्ड कि कभी भी सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स के प्लेन को नहीं गिराएगा क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने प्लेन गिरा दिया तो वॉर शुरू हो जाएगी और दिस इज वॉट हैपन फाइनली नाइनटीन में सोवियत यूनियन ने वो जो बैरिकेटिंग थी वो बैरिकेटिंग हटा दी ठीक है uh, चलो बर्लिन वॉल अब क्या थी सो so, अब ये पूरी चीज़ कुछ दिन चली 1949 में ये पूरा का पूरा इशू खत्म हो गया उसके बाद से 1961 में वापस से इशू शुरू हुआ क्योंकि 1961 में सोवियत यूनियन ने क्या देखा कि बहुत सारे ईस्ट बर्लिन से लोग वेस्ट बर्लिन में जाने लगे और वेस्ट बर्लिन में जाके वहां से वो फ्लाइट पकड़ के चले जाते थे कहाँ पे वो वेस्ट बर्लिन से फ्लाइट पकड़ते थे और चले जाते थे वेस्ट जर्मनी ठीक है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर रेगुलेट कर रहे थे अब ये चीज रोकना चाहते थे वो इसलिए उन्होंने क्या किया जर्मनी शहर बर्लिन शहर के बीचों बीच से उन्होंने एक वॉल खड़ी कर दी बर्लिन शहर के बीचों बीच में उन्होंने वॉल खड़ी कर दी एंड दैट इज कॉल्ड एज बर्लिन वॉल ये वॉल सिक्सटी वन में बनाई गई थी जब इस वॉल को बनाया गया था तो जॉन एफ कैनेडी वॉज द प्रेसिडेंट एंड ही कि अरे अभी दस दिन की बात है खुल जाएंगे रास्ते लेकिन ये वॉल कभी नहीं हटी ये वॉल हटी 1989 में और इस वॉल को हटने के भी अलग कहानी है वो जब पूरी की पूरी कहानी खत्म होगी कोल्ड वॉर की देन आई विल टेल यू ठीक है फॉर ट्वेंटी अब आप इसको जोक की तरह मत लीजिए ये वॉल बहुत सीरियसली थे सोवियत यूनियन वाले यू हैव टू अंडरस्टैंड देखो ये ये रही बर्लिन वॉल और ये जितनी भी कलाकारी हुई है ना पेंटिंग्स हुई है ये किस तरफ है ये उस वाली तरफ है जिस तरफ अमेरिका और अमेरिकन और फ्रेंच थे दूसरी तरफ देख रहे हो आप पूरा ये एरिया जो है ये ओपन है एक तरीके से एल ओ सी की तरह ठीक है और इधर देखो बैरिकेड्स लगे हुए हैं और इधर यहाँ पे बैरक्स हैं ठीक है कोई भी ईस्ट जर्मनी से अब वेस्ट जर्मनी में नहीं आ सकता था ओके टाइम मैगजीन ने इसको इस तरीके से शो किया एंड दिस बिकेम द सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर ओवर द पीरियड दिस वॉल बिकेम द सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर कि ये एक्चुअली वो चीज है जो कोल्ड वॉर ने की है शहर को बीच में से बांट दिया है ठीक है ऐसे लोग अपने रिलेटिव से जाके वॉल वा, के दोनों तरफ मिलके और बातें करके आते थे क्योंकि एक दूसरे से मिलना अलाउड नहीं था जर्मनी के बीच में ठीक है जो मैंने आपको डिवीजन एक्सप्लेन किया फर्स्ट वॉर्ड वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड का वो आपके सामने है अभी ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड ये आपके सामने है ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड यूएस एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्री सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर एंड सोशल ब्लॉक और थर्ड वर्ल्ड में नॉन अलाइन कंट्रीज आती हैं ठीक है अब आगे देखो जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट थे हैरी टूमेन निकिता क्रस्टेव वॉज द लीडर ऑफ यूनाइट सोवियत यूनियन निकिता क्रस्टेव क्यों लीडर थे क्योंकि स्टैलिन की डेथ हो गई थी 1953 में ठीक है उसके बाद से निकिता क्रस्टेव वॉज द लीडर ऑफ द सोवियत पार्टी सोवियत ब्लॉक कह लो एक्चुअली ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है और दोनों के आइडियाज क्या थे यूनाइटेड स्टेट्स का आइडिया था कि अमेरिका विल कंटेन कम्युनिज्मीवेयर और निकिता क्रस्टेव का कहना था हिस्ट्री इज ऑन आवर साइड वी विल बरी यू मतलब दफना देंगे ओके okay? अब क्योंकि कोल्ड वॉर है तो वॉर खुद में तो नहीं हो रही दूसरी जगहों पे जाके लड़ते रहो तो दूसरी जगहों पे कहाँ लड़ाई हो रही थी प्रॉक्सी वॉर्स वर गोइंग ऑन प्रॉक्सी वॉर्स वर कहाँ पे हो रही थी प्रॉक्सी वॉर वर्स गोइंग ऑन इन कोरियन वॉर कोरियन वॉर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी गई है अगली क्लास में आपकी वियतनाम वॉर एक्सप्लेन कर दी जाएगी ठीक है सो कोरियन वॉर हो चुकी वियतनाम वॉर एक्सप्लेन की जाएगी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आज करते हैं बात सोवियत ऑक्यूपेशन आज करेंगे बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर है वो भी कोल्ड वॉर से इंपैक्टेड है उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है ये देखो ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट था वियतनाम वॉर के टाइम वियतनाम वॉर के टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यूएस आर्मी के मिलिट्री के जो लोग थे वही एक रैली निकालते थे और वहां पे वो लिखते थे वी वॉन्ट फाइट नदर रिच मैंस वॉर ठीक है हम दूसरे अमीर लोगों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे यह पूरी वियतनाम की कहानी हम अगली क्लास में समझेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि क्या ऐसा हो गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के लोग जो यूएस मिलिट्री में थे वो मिलिट्री से जब बाहर निकल रहे थे तो वापस वही प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये वॉर गलत है ठीक है ऑल दो थिंग्स विल लुक इन नेक्स्ट क्लास चाइना के सिविल वॉर की बात करेंगे 1946 से 49 के बीच में ठीक है फर्स्ट अक्टूबर 1949 को चाइना बिकेम अ कॉम्युनिस्ट कंट्री ओके माओ से तंग बिकेम द लीडर फील फील गुड यू कैन यूज इट कमिस्ट्राइम शॉक टू यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को रिपब्लिकन मान रहा था अब कोरियन वॉर ऑलरेडी आईव टोल्ड यू लास्ट क्लास में हमने कोरियन वॉर डिस्कस किया क्या हुआ था अमेरिका ने कैसे डिवाइड किया क्या हुआ एग्जैक्टली ठीक है कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया रशियन स्टैब्लिश कम्युनिस्ट रिजीम इन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बन गई ठीक है नाइनटीन तक याद रखेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ऑलमोस्ट सेम तरह से ही रह रहे थे दो, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट साउथ कोरिया में नहीं हुई थी नाइनटीन तक इट वॉज ओनली आफ्टर नाइनटीन एटी दैट साउथ कोरिया की कंडीशन अच्छी होने लगी और नाइनटीन के बाद फाइनली साउथ कोरिया स्टार्टेड परफॉर्मिंग एक्सीलेंट ठीक है या, आ, आ, रंग सागर महेश्वरी आफ्टर द क्लास द वीडियो विल बी अपलोडेड ऑब्वियसली ओके चलो वियतनाम वॉर के बारे में एक छोटा सा आइडिया ले लो वियतनाम में हुआ क्या था कि देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बाकी अगली क्लास में हम डिटेल में वियतनाम वॉर्स पढ़ेंगे देखो वियतनाम वॉज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस ठीक है वियतनाम वॉज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस अच्छा जी जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो क्या हुआ वर्ल्ड वॉर में फ्रांस जो था वो तो हार गया था आपको पता है नाइनटीन फोर्टी में ही जर्मनी से सो so, फ्रांस की जो कॉलोनी थी एशिया में वो जर्मनी ने क्या की जर्मनी ने अपने फ्रेंड को दे दी जर्मनी का फ्रेंड कौन था जापान सो so, वियतनाम में जापनीज आगे नाइनटीन फोर्टी में वियतनाम में जापानीज आ गए वियतनामीज लोगों को लगा जापानीज आ गए तो हमारे जैसे लोग हैं एशियन लोग हैं ये हमारा सपोर्ट करेंगे जब वियतनाम में जैपनीज आए तो उन्होंने जेपनीज लोगों की जो हालत की उसके बाद से जैपनीज लोगों का कहना था इससे अच्छा तो फ्रेंच ही थे ठीक है so, सो 1945 में जब जर्म जर्मनी हारा वॉर जापान भी हार गया वॉर अगस्त के महीने में उसके बाद क्या हुआ सो so, उसके बाद इंस्टेड ऑफ वियतनाम गोइंग टू ट्रस्टीशिप काउंसिल जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वियतनाम तो, वियतनाम को ट्रस्टीशिप काउंसिल की दे, देने की जगह फ्रांस ने वियतनाम को वापस से अपनी कॉलोनी बना लिया फ्रांस ने वियतनाम को अपनी कॉलोनी बना दिया और उसके बाद अंडर द लीडर ऑफ हो चीमिन हो चीमिन एक तरीके की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हुई और फाइनली 1954 में वियतनाम से फ्रेंच जो है वो छोड़ के गए एक बहुत फेमस वॉर है जिसका नाम है दियांग बियांग फू आपको जानने की जरूरत नहीं है बहुत डिटेल में उसकी लेकिन डियांग बियांग फू की वॉर के बाद फ्रेंच मिलिट्री डिसाइडेड कि अब वो और ज़्यादा झेल नहीं सकते गुरिल्ला वॉरफेयर एंड दे लेफ्ट इन नाइनटीन चलो वेली वेरी गुड अब हुआ ये कि वियतनाम जो होगी वो एक नई कंट्री बन जाएगी इंडिपेंडेंट कंट्री अब हो ची मेन वॉज अ कम्युनिस्ट एक्चुअली हो ची मेन वो हिमसेल्फ वॉज अ कम्युनिस्ट तो उनके आइडियाज भी वैसे ही थे जैसे जवाहरलाल नेहरू के थे कि भाई एक सोशलिस्ट टाइप कंट्री बनाएंगे कम्युनिज्म की तरफ एक्सट्रीम तो नहीं जा रहे थे लेकिन एक सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे ठीक है लेकिन ये बात जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स को पता चली यूनाइटेड स्टेट्स फेल थ्रेटन यूनाइटेड स्टेट्स को लगा अरे सोवियत यूनियन जो है वो तो सो कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना के बाद एक और कंट्री है वो भी कम्युनिस्ट हो जाएगी इस तरीके से तो ये कंटिन्यूटी में सब कम्युनिस्ट होते जाएंगे और फिर इन द लॉन्ग रन सारी कंट्रीज कम्युनिस्ट हो जाएंगी नाउ दिस इज ऑफिशियली फॉर्मल वर्ड्स में इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट कि एक का इम्पैक्ट दूसरे पे दूसरे का इम्पैक्ट तीसरे पे ऐसे तो लाइन से सारी कंट्री कम्युनिस्ट हो जाएंगी सो यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रूमेंट डॉक्ट्रिन था जिसमें यही तो बोला गया था कि चाहे व्हाट्सो एवर बी द रीजन चाहे कुछ भी हो जाए वी हैव टू मेक श्योर कि कम्युनिज्म को बढ़ने नहीं देना है और यहां तो वही हो रहा है सो यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड क्या किया कि एनी वन एंड एवरी वन हु डोंट वॉन्ट वियतनाम टू बिकम कम्युनिस्ट हम उनकी सपोर्ट करना शुरू करेंगे और वियतनाम में वो लोग जिन जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे कुछ लोग तो हर जगह होते हैं जो अपोज कर रहे होते हैं सो यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया और 1955 में यूनाइटेड स्टेट्स से अपनी फोर्सेस आर्म फोर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ने वियतनाम में भेजनी शुरू कर दी ओके okay? अब वो वॉर जो थी वियतनाम में एक बार जब कम जब यूनाइटेड स्टेट्स घुसे 1975 तक वो 20 साल तक लड़ाई चलती रही एंड उसके बाद ही जाके वियतनाम वापस एक कंट्री बन पाई ठीक है वियतनाम नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में डिवाइड हो गई थी एक पूरा फेज था ठीक है जब नॉर्थ वियतनाम में जो थी वही जैसे कोरिया को डिवाइड किया गया था वैसे ही वियतनाम को भी डिवाइड कर दिया गया नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी साउथ वियतनाम में रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्प से साउथ वियतनाम ऑब्वियसली ट्रेडिंग के हिसाब से बाकी चीज़ों के हिसाब से ज़्यादा अच्छा था उनकी कैपिटल थी साइगॉन ठीक है उसके बाद फिर हो चीन के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू की ओके और फाइनली नाइनटीन सेवनटी फाइव होते होते हो चीमिन तो तब तक नहीं थे ठीक है लेकिन होते होते नाइनटीन सेवनटी फाइव में अमेरिकन फोर्सेज वापस गई ओके इसके बीच में जब वो वापस गई तो साइगॉन का नाम बदल के हो चिमिन सिटी रख दिया गया और वो वियतनाम की नई कैपिटल बन गई अभी आप जाके गूगल करेंगे तो वियतनाम की कैपिटल हो चिमिन सिटी है जिसका पुराना नाम था साइगॉन ठीक है अब इस पूरे के पूरे इशू में हुआ ये कि नाइनटीन सेवन नाइनटीन फिफ्टी फाइव से नाइनटीन सेवनटी फाइव के बीच में जब अमेरिका से बहुत सारे लोगों को लड़ने जाना था वियतनाम सो प्रॉब्लम ये हो गई कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो जनरल पब्लिक थी उसमें कॉन्स्क्रिप्शन का आइडिया इंप्लीमेंट कर दिया गया कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है पहले ये समझें और एक कंप्लीट कॉन्स्क्रिप्शन नहीं था तो वो भी समझ लें क्या हुआ सो बेसिकली कॉन्सक्रिप्शन में होता ये है कि यू हैव टू सर्व इन द आर्म फोर्सेज एवरी वन टू सर्व लाइक जैसे इसराइल में एवरी वन हैज टू सर्व इन आर्म फोर्सेज फॉर टू ईयर्स ठीक है नॉर्थ कोरिया में यू हैव टू एवरी वन हैज सर्व इन द आर्म फोर्सेज ठीक है इंडिया में कॉन्सक्रिप्शन नहीं है ठीक है अमेरिका में सेलेक्टिव कॉन्सक्रिप्शन था मतलब इंस्टेड ऑफ एवरी वन सर्विंग इन द आर्म फोर्सेज ठीक है हर कॉलेज में जाके चिटफंड निकाले जाते थे लकी ड्रॉ में जिसका नाम आ गया उसको आर्मी में जाना पड़ेगा अब आपको लगेगा आर्मी में जाना तो बढ़िया बात है भाई देश के लिए आपको मौका मिल रहा है सर्व करने का लेकिन ऐसे नहीं होता देश के लिए आपको मौका मिलेगा सर्व करने का तो आप लड़ोगे अगर आपसे कोई कहे कि भाई पाकिस्तान से लड़ाई है आप कहोगे हाँ ठीक है ये हमें बहुत दिन से परेशान कर रहे थे हम लड़ने जाएंगे अगर आपसे कोई कहेगा कि चाइना से लड़ने आना है आप कहोगे हाँ ठीक है हमें बहुत दिन से इन्होंने परेशान किया हम इनसे लड़ने जाएंगे अब अगर आपसे कोई कहे कि हाँ भाई इंडियन आर्मी मोदी जी ने डिसाइड किया है पोपाइन न्यू गिनी पर हमला करना है चलो लड़ने तो आप बोलेंगे कि यार पहले पोपाइन न्यू गिनी की स्पेलिंग बताओ मेरे को और बताओ कि पोपाइन न्यू गिनी के लोगों ने किया क्या है ठीक है सो दैट वॉज द सिचुएशन फॉर अमेरिकन पीपल ठीक है अमेरिकन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई अमेरिकन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि अमेरिकन लोगों को समझ आ रहा था भाई वियतनाम वियतनाम में क्यों जाए लड़ने क्या मतलब है हमें वियतनाम से वियतनाम ने हम पे कभी अटैक नहीं किया वियतनामीज लोगों ने हमसे कोई गलत व्यवहार नहीं किया कोई बिहेवियर नहीं किया वियतनाम से हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस कोई बहुत बड़े नहीं है वियतनाम हमें इकोनॉमिक लॉस नहीं कर रहा पॉलिटिकल लॉस नहीं कर रहा हम लड़ने क्यों जाएं? So, ये जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई कम्युनिज्म अगर बढ़ने लगा तो वियतनाम के बाद और हो जाएगा इसको लोग बाई करने को रेडी नहीं थे उन्होंने कहना यह था कि हम रिपब्लिकन सिस्टम है हम कैपिटलिस्ट सिस्टम है हम कैपिटलिस्ट रहेंगे हम दूसरे में इतना इन्वॉल्व क्यों हों

ठीक है अब यही वो चीज़ है जिसमें आपको एक्जाम्पल uh, मिल जाता है डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों का डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया तो so, डोनाल्ड ट्रंप के जो फादर थे उनका नाम था फ्रेड ट्रंप फेडरिक ट्रंप अब फेडरिक ट्रंप खुद एक काफी अमीर आदमी थे उनके बेटे थे डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप वॉज ट्वेंटी टू एंड ही वॉज इन कॉलेज तो उनको भी जाना था उनको भी जाना था वॉर लड़ने अब डोनाल्ड ट्रंप कहाँ वॉर लड़ने जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के फादर ने एक नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दिया कि उनके पैरों में एडी के पास ठीक है बोन्स पर है कुछ दिक्कत है उनको चलने में इसलिए उनको नहीं जाना पड़ेगा बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए तो वो एक्चुअली दूसरे पैर में बता रहे थे कि मेरे को इस पैर में बोन्स पर था ठीक है तो जिस आदमी को यही नहीं पता कि उस आदमी को किस पैर में दिक्कत उसके मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखे हैं ऑब्वियस ही बात है कि वो झूठ बोल रहे थे तो इस तरह की चीजें हुई और इसके कारण से यूनाइटेड स्टेट्स की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिवाइड आ गया ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स में थ्रू आउट यूनाइटेड स्टेट्स अपोजिशन होने लगे और यूनाइटेड स्टेट्स में जो कॉलेजेस हैं जैसे आप अब, अब कई बार देखते हैं आप न्यूज में देखते हैं ना कि जे में प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बहुत छोटा सा प्रोटेस्ट है उससे दस गुना बड़े प्रोटेस्ट होते थे यूनाइटेड स्टेट्स में ठीक है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली वॉज द सेंटर हब जहाँ पर इस तरह के सारे प्रोटेस्ट होते थे ठीक है उसके बाद फिर शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन था जहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई हो गई कई लोगों की वहां जाने चली गई थी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहां पे हुआ 1977 में ठीक है सो ये सारी चीजें होती रही 1967 में सॉरी और ये सारी चीजें होती रही ठीक है टिल 1974-75 जब तक अमेरिका ने वॉर में से वापस आने का डिसीजन नहीं लिया एंड दिस इज एक्चुअली अ वॉर विच अमेरिका लॉस्ट दिस इज़ एक्चुअली अ वॉर विच अमेरिका लॉस टू यू नोट नीड टू नो इट खैर ये छोटे में मैंने आपको बताया वियतनाम के बारे में अगर आप चाहते हैं तो इससे भी आपका काम हो जाएगा अदरवाइज इससे ज़्यादा आपको वियतनाम वॉर के बारे में जी एस के हिसाब से जानने की जरूरत नहीं है अदरवाइज वन अदर फाइन डे समे आई टेक अ सेपरेट सेशन जस्ट ऑन वियतनाम वॉर कि क्या हुआ क्या था ऐसा क्या हो गया था कि जब होच यूमन से पूछा गया कि आ, आपने नॉन वायलेंस का साथ क्यों नहीं दिया आपने वायलेंस को क्यों यूज किया तो हो ची मिन का रिप्लाई था टेल मिस्टर गांधी टू फेस द फ्रेंच पीपल वंस एंड ही विल लीव नॉन वायलेंस विद इन एन आर ओके समथिंग लाइक दैट ओके सो दैट समथिंग यू नीड टू नो चलो आगे चलते हैं uh, अब देखते हैं क्यूबा में क्या हुआ सो so, क्यूबा में भी बात कर लेते हैं क्यूबा में क्या हुआ सो so, क्यूबा में क्या हुआ 1958 की बात है देखो अब ये आपके सामने जो राइट एंड साइड में पिक्चर है हम्म hmm. अब देखो यार लेट्स डू दिस क्यूबा थिंग क्यूबा क्या था क्यूबा अमेरिका में फ्लोरिडा से नाइनटी माइल्स दूर एक आईलैंड है जिसका नाम है क्यूबा ठीक है सो so, अमेरिकन्स ने क्यूबा का गोवा बना दिया था ठीक है अमेरिकन्स ने क्यूबा का गोवा बना दिया था ठीक है और क्यूबा के जो डिक्टेटर्स uh, थे उनका नाम था बटिस्टा ओके ना बटिस्टा वॉज द डिक्टेटर ऑफ क्यूबा और क्यूबा वॉज एक्चुअली अर्लियर एटीन सेंचुरी सेवनटीन सेंचुरी में इट वॉज अ स्पेनिश कॉलोनी तो अभी भी अगर आप क्यूबा में जाओगे तो लोग स्पेनिश बोलते हैं ठीक है अब क्यूबा में हुआ क्या क्यूबा में एक आ, दो लोग थे आ, फिदेल कास्त्रो और उनके भाई थे राहुल कास्त्रो अब इन्होंने राहुल कास्त्रो और फिदेल कास्त्रो ने डिसाइड किया कि हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमें ये गवर्नमेंट ठीक नहीं लग रही हम कुछ तो करेंगे फिदेल कास्त्रो हु हिमसेल्फ वॉज अ लॉयर उन्होंने एक बार कू करने की कोशिश की और एग्जैक्टली exactly वही कू के अटैम्प्ट में अरेस्ट हो गए जेल गए जेल से जब बाहर निकले तो फिर वापस अपने भाई को लेके वो क्यूबा छोड़ के भाग गए मैक्सिको क्योंकि अदरवाइज उनको गवर्नमेंट पकड़ ली मेक्सिको गए कुछ पैसे जोड़े अपने जोड़े हुए पैसों से उन्होंने एक छोटी सी बोट खरीदी बोट का नाम रखा ग्रैंडमा और ग्रैंडमा में अपने अस्सी दोस्तों के साथ बैठ के ठीक है उन्होंने कहा कि हम क्यूबा में जाएंगे और क्यूबा को आज़ादी दिलाएंगे ठीक है अस्सी लोगों के साथ वो क्यूबा आ गए क्यूबा को आज़ादी दिलाने ठीक है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स फाइव में आज़ादी उजादी तो कुछ नहीं मिली जैसे ही वो बीच पे पहुंचे उनकी बोट पहुंची वहाँ पे बटिस्टा के आर्मी के लोग पहले से खड़े थे और उन्होंने इनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी सारे लोग मर गए एक्सेप्ट बारह तेरह लोग बचे थे ठीक है उसमें एक फिदेल कास्ट्रो उनके भाई राहुल कास्ट्रो और चे ग्वारा जो उनको मेक्सिको में मिल गए थे जो अर्जेंटाइन ओरिजिन के थे अर्जेंटीना के नेटिव थे लेकिन वो क्योंकि डॉक्टर थे उस लिए वो उन लोगों के साथ आए थे कि अगर किसी को चोट वोट लग जाएगी तो वो उसकी मरहम पट्टी करेंगे नाउ चे गा हिमसेल्फ वॉज अ कम्युनिस्ट आर्डेंट कम्युनिस्ट अब कहानी सुनो ध्यान से अब हुआ क्या अब छः अंत में आते आते बाकी लोग मलेरिया से मरने लगे अंत में लोग बचे छः अब ये छः लोगों ने क्या किया आर्मी से बसते बसते ये लोग पहुंचे कहाँ जंगलों में और जंगल में जाके ये लोग क्यूबा में क्यूबा के जंगलों में जाके छुप के रहने लगे और अगले दो तीन साल तक जंगलों में इन्होंने विलेज से सपोर्ट जीता विलेज का हेल्प की हेल्प करना शुरू किया उनको अपने आइडियाज बताए उनसे सपोर्ट लिया और फिर विलेज में से नए लड़कों को रिक्रूट किया और उसके बाद वापस से अटैक किया गवर्नमेंट के ऊपर और फर्स्ट जनवरी 1959 को ठीक है फर्स्ट जनवरी 1959 को हवाना शहर जो कि क्यूबा की कैपिटल है उस पर ये लोग जीत गए बटिस्ता जो है वो क्यूबा छोड़ के भाग गए अमेरिका चले गए वो और इन्होंने हवाना शहर पे कैप्चर कर लिया और ये क्यूबा की नई एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए चलो वेरी गुड अब क्या हुआ अब इसके बाद हुआ ये कि इन्होंने ट्राई किया कि भाई हमें करना क्या है ये अभी भी श्योर नहीं थे कि इनको कम्युनिस्ट बनना है कि रिपब्लिकन बनना है कि क्या करना है क्योंकि फिदिल कास्टरों की जो वाइफ थी वो अमेरिका में काफ़ी दिन रही थी ठीक है फिदिल कास्टरों भी अमेरिका पाँच छः बार हो के आए थे पहले सो ही वॉज नॉट श्योर ऑल दो अमेरिका ने इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी अमेरिका चाहती थी कि बटिस्ता वापस चले जाए वापस पावर में आ जाए और इसलिए फिदिल कास्टरों ने फिर उनको क्योंकि सपोर्ट चाहिए था तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट किससे मांगेंगे राहुल कास्टरो जो फिदिल कास्टरों के भाई थे वो चे गा से मिले और चे ग्वारा जो खुद कम्युनिस्ट थे उन्होंने फिदिल कास्टरों से कहा कि आप सोवियत यूनियन से हेल्प मांग सकते हैं बाई 1960 सिक्सटी सोवियत यूनियन से हेल्प लेते लेते फिदिल कास्टर बिकेम अ कम्युनिस्ट नाउ 1960 आ गया है फिदिल कास्टर एक कम्युनिस्ट हैं और वो यूनाइटेड स्टेट्स की बॉर्डर से सिर्फ नब्बे माइल दूर मतलब नब्बे मील का मतलब हो गया समथिंग समथिंग एक सौ चालीस एक सौ एक सौ पैंतालीस किलोमीटर वन फोर्टी फाइव किलोमीटर दूर थे ठीक है कोल्ड वॉर चल रही है अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा यह है कि कहीं हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन ना फेंक दे यूनाइटेड सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन को खतरा है कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन ना फेंक दे यूनाइटेड स्टेट्स अब यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूक्लियर वेपन जो है वो टर्की में भी इंस्टॉल्ड है जर्मनी में भी इंस्टॉल्ड है हर जगह है तो सोवियत यूनियन को खतरा है लेकिन सोवियत यूनियन की कैपिटल मॉस्को जो है वो काफ़ी अंदर है तो उतना खतरा नहीं है लेकिन अगर क्यूबा में कोई मिसाइल लगा दे सो वो फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क तक डायरेक्टली बॉम्ब कर सकते हैं और आधे घंटे का टाइम भी नहीं मिलेगा अमेरिका को रिएक्ट करने के लिए ठीक है सो अब यही हुआ नाइनटीन में जनवरी में फिदिल कास्ट्रो ने परमिशन दे दी और सोवियत गवर्नमेंट ने अपने न्यूक्लियर वेपन क्यूबा में हवाना के बगल में लगाने शुरू कर दिए इसकी पिक्चर्स किसी इंटेलिजेंस वाले स्पाई कैमरा से प्ले स्पाई प्लेन्स ने खींच ली और ये चीज पता चल गई जॉन एफ कैनेडी को अप्रैल 1961 <coughs> अच्छा सॉरी उसके पहले एक इंसिडेंट और हुआ था ओके फाइनली मी एक्सप्लेन दैट अप्रैल 1961 में पहले क्या हुआ uh, कि जॉन एफ कैनेडी ने सोचा कि जब उनको पता चला जॉन एफ कैनेडी को कि सोवियत यूनियन के साथ क्यूबंस बात कर रहे हैं तो जॉन एफ कैनेडी ने कहा क्या किया कि वो सारे क्यूबन एक्सप्रैट एक्सट्राप्ट जो कि क्यूबा से निकल के फ्लोरिडा में रह रहे थे जो अमेरिका में था उसमें से 1500 लोगों की एक फौज बनाई और उनको सी की हेल्प से वापस क्यूबा भेजा कि जाओ और वहां पर कास्टरो का, कास्टरों की गवर्नमेंट गिरा दो जैसे कास्टरो ने बटिस्टा की गवर्नमेंट गिराई थी कास्टरो की इस बात का पता चल गया और जैसे ही ये पंद्रह सौ लोग लैंड किए कास्टरों ने पहले से अपनी आर्मी लगा रखी थी और इन सब लोगों को मार दिया गया नहीं तो अरेस्ट कर दिया गया ज दे ऑफ पिग्स इन्वेजन ठीक है उस जगह को बे ऑफ पिग कहते हैं क्यूबा में और इसको कहते हैं बे ऑफ पिग इन्वेजन ठीक है अब इस चीज से ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही दुखी था कि एक छोटी सी कंट्री ने ठीक है हमारे इन्वेजन को खराब कर दिया अब उसके कुछ दिन बाद जैसे ही इनको पता चला जॉन एफ कैनेडी को कि फिदिल निकिता क्रुश्चेव के साथ मिलके निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत यूनियन के लीडर हैं उनके साथ मिलके एक नए मिसाइल्स लगा रहे हैं कहाँ पे मिसाइल्स वो लगा रहे हैं यहाँ पे ठीक है ये रहा बे ऑफ पिक्स और वो इन सारी जगहों पे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एम आर बी एम क्या होती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ठीक है यहाँ पे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लगाई गई ठीक है सैन क्रिस्टोबॉल में भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लगाई गई ये कैपिटल है और ये है फ्लोरिडा ये जो नाइन्टी माइल्स की डिस्टेंस है ठीक है और यहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज इंटर बैलिस्टिक मिसाइल लगा दी गई अब इससे क्या होगा इससे यूनाइटेड स्टेट्स को जैसे ही चीज पता चली उनके ऊपर थ्रेट बढ़ गया ओके okay? उनके ऊपर जब थ्रेट बढ़ा सो नो अदर वे ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने तुरंत यह कहा कि अगर अगर तीन दिन के अंदर यह मिसाइल्स यहां से नहीं हटाई गई तो दे विल बी रिएक्शन खतरा यह हो गया कि देयर माइट बी अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन फाइनली कूल हेड्स केम इन पिक्चर कुछ लोगों ने बातें की और निकिता क्रिस्चेफ और जॉन एफ कैनेडी की आपस में बात हुई डिसाइड यह किया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो टर्की से अपने न्यूक्लियर वेपन्स हटा लेगा और इन रिटर्न सोवियत यूनियन क्यूबा से अपने न्यूक्लियर वेपन्स हटा लेगा लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने पब्लिकली ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने टर्की से अपने न्यूक्लियर वेपन हटाए हैं लेकिन क्यूबा से न्यूक्लियर वेपन हटाने की बात पब्लिक की गई ठीक है सो दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया एक नई हॉटलाइन स्टैब्लिस की गई और इस तरीके से ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस खत्म हुई अब आप कहोगे इतनी छोटी सी बात थी मिसाइल मिसाइल से हटा लिया गया क्यूबन क्राइसिस को इतना बड़ा क्यों माना जाता है ये मैंने आपको जल्दी से बता दिया है लेकिन वो जो तीन दिन का फेज था उस समय एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि देर वॉज ऑलमोस्ट क्लियरिटी कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन एक दूसरे पर न्यूक्लियर वेपन फेंक देंगे ओके एंड दैट्स वाई इट्स बिकेम सो सीरियस ठीक है अच्छा अब यहां तक हमने बात कर ली तो हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं किसकी अफगान सोवियत वॉर की जो 1979 से 1988 के बीच में चली ठीक है अब इनकी कहानी कुछ और है अफगानिस्तान पे मैंने एक क्लास ले रखी है ठीक है वो आप जाके अगर आप चाहें तो अन अकेडमी की वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हैं यहां पे मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं नाइनटीन के वॉर के पहले की बात ठीक है सो लेट मी गिव मी अ मोमेंट एंड देन विल स्टार्ट हम्म सो so, हुआ ये कि 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान वाज़ अ मोनार्की ठीक है और 1973 में अफगानिस्तान के जो किंग थे वो उनकी तबीयत ख़राब थी वो इलाज कराने गए और उसकी उसी टाइम उनको हटा के गवर्नमेंट को कू कर दिया गया और दूसरी गवर्नमेंट आ गई ठीक है अब जो नई गवर्नमेंट आई वो स्टेबल नहीं थी तो उसको फिर से कू करके हटा दिया गया अब जो फिर नई गवर्नमेंट आई 1977 में वो भी स्टेबल नहीं थी सो so, फाइनली वो जो नई गवर्नमेंट 1977 में एक आई थी वो किसकी हेल्प से आई थी वो कम्युनिस्ट रिजीन थी कम्युनिस्ट लीडरशिप की हेल्प से आई थी और जब कम्युनिस्ट लीडरशिप्स की हेल्प से आई हुई गवर्नमेंट भी अफगानिस्तान में नहीं चल पा रही थी सो so, नाइनटीन में फाइनली सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि हम अपनी खुद की आर्मी को भेज के अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेते हैं चलो कर लिया सो अफगा एज इट ऑल द टाइम इन अफगानिस्तान की आर्मी आई सोवियत यूनियन के और उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर कैप्चर करना शुरू कर दिया और विद इन फोर फाइव डेज पूरे अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन ने कैप्चर कर लिया चलो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ये हुआ द नेटिव ऑफ अफगानिस्तान तालिबान अभी नहीं आया है अफगानिस्तान के जो नेटिव लोग हैं उन लोगों को आप कहिए वो उन्होंने रिलीजियस फाइटिंग ग्रुप्स बना लिए जिनको मुजाहिदीन कहते हैं ठीक है द मुजाहिर ओके मुजाहिदीनस आर द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर रिलीजियस कॉजे लेकिन उस रिलीजियस कॉजेज में उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट आर द एग्रेसिव दे आर एक्सप्लॉइटिंग आवर लैंड आवर पीपल एंड दैट्स वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दम अब वो लोगों ने क्या किया इन लोगों ने गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दी किसकी अगेंस्ट सोवियत यूनियन के अगेंस्ट ठीक है 1979 से 1980 अगी. 1980 आ गई आते आते ठीक है 1980 आते आते ये बात का पता चला किसको यूनाइटेड स्टेट्स को और वहां पे एक बहुत अच्छी मूवी है किसी को टाइम मिलेगी तो देख लेना चार्ली विल्सन वॉर ठीक है टॉम हैंक्स की मूवी है उसमें ये पूरी सिचुएशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है ठीक है चार्ली विल्सनस वॉर टॉम हैंक्स ठीक है अब हुआ यहाँ पे ये कि नाइनटीन uh, एटी में जब यूनाइटेड स्टेट्स को पता चला तो यूनाइटेड स्टेट्स को लगा ओ यही तो हमारे साथ वियतनाम में हुआ था गोरिल्ला वॉरफेयर ठीक है हम भी यहाँ पर ये कर सकते हैं तो इन्होंने क्या किया यूनाइटेड स्टेट्स ने ये जो मुजाहिदीन थे यूनाइटेड स्टेट्स से कहा इनको सपोर्ट करो चाहे ये किसी के लिए लड़े रिलीजन के लिए लड़े या जिस चीज से लिए लड़े ये लड़ रहे हैं तो हमें अपने फाइटर्स नहीं देने पड़ेंगे हमें अपने बच्चों को लड़ने नहीं भेजना पड़ेगा ये तो लड़ना है इनको खाली हथियार ही तो देने दे दो हथियार अब उसी टाइम सऊदी अरेबिया ने कहा कि हाँ क्योंकि ये रिलीजन के लिए लड़ रहे थे और वहाी इस्लाम के लिए लड़ रहे थे तो सऊदी अरेबिया ने कहा कि जितने पैसे यूनाइटेड स्टेट्स देगा उतने ही पैसे सऊदी अरेबिया भी दे देगा अब इतने सारे पैसे आ गए अब इतने सारे पैसे अफगानियों को दिए कैसे जाएंगे तो फिर इन पकड़ा गया किसको जियाउल हक को जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे डिक्टेटर थे और जिया से कहा गया कि इन सारे लोगों को अफगानिस्तान से जो लोग भाग के आपके यहाँ रिफ्यूजी कैंप्स में आए हैं रिफ्यूजी कैंप से इन लोगों को पकड़ो इन लोगों को पाकिस्तान आर्मी से कहो कि ट्रेनिंग दें और वापस फिर हम हथियार दे रहे हैं इन्हें अफगानिस्तान में भेजो ये वापस जाके लड़ाई करेंगे एंड दैट गोरिल्ला वॉरफेयर वेंट फॉर सो लॉन्ग सो लॉन्ग सो लॉन्ग कि उन्होंने सोवियत यूनियन का बहुत ज्यादा लॉस करा दिया एंड इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड दट वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन वॉज दिस अफगानिस्तान अफगान सोवियत वॉर ठीक है बाकी इसको डिटेल में समझने के लिए यू कैन ऑलवेज वॉच मैंने दो घंटे की पूरी क्लास ली हुई है अफगानिस्तान पे ठीक है यू कैन जस्ट गो ऑन अन अकेडमी वेबसाइट एंड वॉच इट और यू कैन जस्ट डाउनलोड गो एंड एड ऑन टेलीग्राम ग्रुप श्वतानी अंडर स्को श्वतांग और मैं वहां पर अभी रात में वापस से लिंक शेयर कर दूंगा ठीक है कोल्ड वॉर का ही एक पॉइंट था बांग्लादेश भी ठीक है so, सो बांग्लादेश वाली जो पूरी कहानी है वो भी समहाउ कोल्ड वॉर से रिलेट है तो हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते बिकॉज हमें लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तान पर अटैक किया इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी कोल्ड वॉर में कहा अमेरिका कहाँ सोवियत यूनियन लेकिन सोवियत यूनियन बहुत बड़ा रोल प्ले किया था पाकिस्तान अमेरिका ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सो so, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटे में एंड उसके बाद आगे इसके आगे के टॉपिक्स हम कर लेंगे

बांग्लादेश के लोगों की हेल्प करने के लिए पाकिस्तान आर्मी से पहले अमेरिकन आर्मी आ गई अमेरिका से कि अरे भाई वहां पे लोग मर रहे हैं चलो उनको बचाना है ठीक है तो इससे बांग्लादेश में रहने वाले जो पाकिस्तानी लोग थे उस समय उनके अंदर बहुत हेटरेट की फीलिंग आ गई इसके साथ साथ एक एक अलग तरह का डिविजन हमेशा से बांग्लादेश में रहने वाले बंगालियों के साथ करते थे कौन पाकिस्तान के जो बाकी पंजाबी पश्तून बाकी लोग थे एंड दैट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी मच कनेक्टेड विद द स्पीकिंग ऑफ उर्दू क्योंकि बंगालियों को फोर्स किया जा रहा था कि आप सिर्फ उर्दू ही बोलेंगे आप बंगाली नहीं बोलेंगे एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बंगाली पीपल कल्चरल एसिमलेशन कहीं से भी नहीं था ठीक है सो अब एक दूसरी चीज़ समझिए अब इनके जो लीडर थे ठीक है यहाँ पे एक पार्टी बनी बांग्लादेश में जिसका नाम था अवामी लीग ठीक है अवामी लीग वही पार्टी जिसकी अभी लीडर हैं शेख हसीना ठीक है वही पार्टी उसका नाम था अवामी लीग ठीक है अब देखो नाइनटीन uh, सिक्सटी में जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे वो हटे नए डिक्टेटर आए और नए डिक्टेटर ने 1969 में ठीक है ये बोला कि हम वापस से इलेक्शन कराएंगे पाकिस्तान में ठीक है जी इलेक्शन हो गए इलेक्शन में दो पार्टीज थी एक थी अवामी लीग जो बांग्लादेश जिसको आप कहते हैं वहाँ पर एक्टिव थी और बाकी पाकिस्तान में एक्टिव थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके हेड थे जुल्फार अली भुट्टो ठीक है सो अब याहिया खान जो प्रेसिडेंट थे डिक्टेटर थे ठीक है उन्होंने इलेक्शन का ऑर्डर दे दिया और ठीक है और इलेक्शन हो गए इलेक्शन का आउटकम ये आया कि अवामी लीग इलेक्शन जीत गई अवामी लीग इलेक्शन जीत गई अब सलीके से तो इलेक्शन अगर वो जीत गए उनको मेजोरिटी मिल गई तो याहिया खान को अवामी लीग की गवर्नमेंट बनवा देनी चाहिए थी ठीक है अवामी लीग की गवर्नमेंट लेकिन उन्होंने बनवाएंगे क्या वो अवामी लीग के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान जिनको बंगा बंधु भी कहते हैं अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको बंगा बंधु नाम की रोड मिल जाएगी ठीक है सो से शेख रहमान जो है उनको प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया उन्होंने और पूरी की पूरी असेंबली को डिजोल्व कर दिया और इस पाकिस्तान में जब इसके अगेंस्ट अपोजिशन शुरू हुआ तो उन्होंने वहां पे पाकिस्तानी आर्मी को भेज दिया पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पे लोगों को मारना शुरू कर दिया और वहां से लोग भाग के इंडिया आने लगे इंडिया हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू रिटेलिएट क्योंकि इतने सारे बंगाल ईस्ट पाकिस्तानी लोगों को इंडिया कहाँ रखती ठीक है ये हो गई एक कहानी इसका दूसरा पूरा इशू ये था कि जब इस पूरी कहानी में ये जो याहिया खान का मैंने आपको कैरेक्टर बताया खान वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन क्यों क्योंकि याहिया खान वॉज रू प्लेइंग अ रोल टू कनेक्ट रिचर्ड निक्सन विद द चाइनीज गवर्नमेंट क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1949 से 1972 के बीच में चाइना और अमेरिका के बीच में कोई कनेक्शन नहीं थे एंबेसडर्स भी नहीं थे ठीक है और रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर जो कि उस समय अमेरिका के एनएसए थे जैसे अभी इंडिया के अजीत डोभाल हैं वैसे ही एनएसए थे अमेरिका के हेनरी किसिंजर ये सो एनरी हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन ने प्लान बनाया कि चाइना के साथ इशूज रिजॉल्व करते हैं क्योंकि सोवियत यूनियन और चाइना का नाइनटीन से ही झगड़ा चल रहा था सो so, इन्होंने कहा कि हम चाइना को अपनी ओर ले लेंगे ठीक है अब रिचर्ड निक्सन के लिए दूत का काम कर रहे थे एक तरीके से ठीक है कौन याहिया खान सो रिचर्ड निक्सन ये नहीं चाहते थे कि यही खान को कोई भी डिफिकल्टी हो और इसलिए इंडिया ने जब कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी आर्मी को पाकिस्तान में भेजेंगे सो देर वॉज एक्चुअली अ थ्रेट कि यूनाइटेड स्टेट इंडिया के ऊपर अटैक कर देता और उस अटैक से बचने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने क्या किया मिसेस गांधी वेंट एंड कनेक्टेड टू निकिता क्रुश्चेव और सॉरी नॉट निकिता क्रुश्चेव ब्रेजनेव ब्रेजनेव वॉज द चेयरमैन एंड ब्रेजनेव और मिसेस गांधी uh, ने डिसाइड किया कि इंडिया और रशिया ने सोवियत यूनियन ने एक ट्रिटी की इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रिटी ऑफ ऑगस्ट गया कि अगर इंडिया पे कोई अटैक कर दे या फिर सोवियत यूनियन पे अटैक कर दे तो बोथ द कंट्रीज विल स्टार्ट डिस्कसिंग की क्या करना है दोनों कंट्री ने यह कहीं नहीं बोला कि हम आपकी सपोर्ट करने आएंगे सिर्फ ये बोला गया कि वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग क्या करना है ओके okay? अब इसके बाद देखो क्या हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया यूएस यूएस के जो रिचर्ड निक्सन है उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए कि अगर इंडियन फोर्सेस नहीं हट रही हैं बांग्लादेश से तो हम जो पैसिफिक कमांड है उसकी शिप्स यूएसएस एंटरप्राइज को भेज देंगे बंगाल को आज़ादी दिलाने के लिए जैसे कि और वापस ईस्ट पाकिस्तान में मिलाने के लिए जैसे कि साउथ कोरिया के केस के में भेजा था जैसे कि साउथ कोरिया के केस में क्या हुआ था नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को कैप्चर कर लिया था अमेरिकन आए और वापस से आज़ादी दिलाई उसी तरीके से यूएस रिचर्ड निक्सन ने प्लान किया कि अगर इंडिया बांग्लादेश पे कब्जा कर भी लेता है और वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान को हरा भी देता है तो अमेरिकन ने अपनी शिप्स भेज दी बंगाल में बे ऑफ बंगाल में लेकिन क्योंकि इंडिया ने सोवियत यूनियन से ऑलरेडी ट्रिटी कर ली थी सो यू एस के पीछे सोवियत यूनियन ने अपनी एक शिप डिस्पैच कर दी और इसके कारण यूएसएस एंटरप्राइज ने कभी बांग्लादेश के ऊपर ऑल दो वो बे ऑफ बंगाल में घूम रहा था लेकिन उसने कभी बांग्लादेश पर अटैक नहीं किया और सिक्सटीन दिसंबर 1971 को इंडिया पाकिस्तान की वॉर ख़त्म हो गई यूएसएस इंटरप्राइज 18 दिसंबर को बंगाल में पहुंची वो चाहते तो वो अटैक कर सकते थे लेकिन उनको पता था कि हमारे पीछे सोवियत यूनियन की शिप खड़ी है और अगर हमने बंगाल पे अटैक किया तो सोवियत यूनियन की शिप हम पे अटैक करेगी कोल्ड वॉर एक्चुअली हॉट वॉर हो जाएगा और सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई हो जाएगी और इंडिया और पाकिस्तान इतने भी प्यारे नहीं थे रिचर्ड निक्सन को कि इंडिया और पाकिस्तान के चक्कर में वो सोवियत यूनियन से झगड़ा कर लें और इसीलिए उन्होंने अपनी शिप वापस बुला ली एंड द बांग्लादेश इंडिपेंडेंस उनको मिल पाई अदरवाइज बांग्लादेश के साथ भी वही हो सकता था जो कि कोरिया में हुआ था कि पहले नॉर्थ कोरिया ने पूरे साउथ कोरिया को कैप्चर किया फिर साउथ कोरिया में अमेरिकन आए और उन्होंने पूरे नॉर्थ कोरिया को कैप्चर कर लिया सो so, वो चीज़ होने से बच गई क्योंकि सोवियत यूनियन केम इन टू पिक्चर ठीक है सो इस कॉन्सेपच्चल थी अंडरस्टैंडिंग इसको समझ लें ठीक है yeah. या so, सो समझ में आ गई बात चलो ये वो पिक्चर है उसके बाद की व्हेन uh, uh, जब वॉर ख़त्म हो गई और उसके बाद फिर uh, शेख मुजीबर रहमान केम टू तो डेली एक्चुअली एंड ही गेव अ स्पीच इन बंगाली इन डेली एंड देन ही वेंट टू ढाका और ये ऊपर एक फोटो है जिसमें पाकिस्तान के जो डिक्टेटर थे याहिया खान इज़ विद अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड मिल हाउस एंड दिस इज न पिक्चर वेन मिसिस गांधी वेंट टू मीट रिचर्ड निक्सन जस्ट टू एक्सप्लेन हर सिचुएशन लेकिन रिचर्ड निक्सन ने हेल्प नहीं की थी इंडिया की ठीक है सो ये वो सारी चीजें थी जो आप समझ सकते हैं जानगे अब इसके आगे जो चीजें हैं क्लासेस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे सो मेक श्योर यू अटेंड द नेक्स्ट सेशन दैट विल बी मोस्ट ऑफली टुमारो और इफ नॉट टुमारो इट विल भी डे आफ्टर टुमारो ओके सो मेक श्योर यू अटेंड द सेशन एंड इफ यू आर हेयर टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ओके यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ओके Yeah, if you have any question, anyone, please ask me right now. Otherwise, we'll end the session in like two to three minutes. Just a moment, everyone. Okay. Okay. Akriti had a question. Akriti asked the question. Who was Bao Dai? Uh, Akriti Bao Dai was the last king of Vietnam. Okay. Actually, he he his empire ended in 1945. ंग ऑफ वियतनाम क्योंकि कॉलोनी भी थी वियतनाम तो फ्रांस उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे फ्रेंच वैसे ही उसको कंट्रोल करते थे जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स को कंट्रोल करते थे ठीक है सो बाओदाई वॉज द लास्ट किंग ऑफ वियतनाम और पूरा वियतनाम उनके अंदर नहीं था ठीक है uh, नो गौरव अवमी लीग दिडेंट विन एनी सीट इन वेस्ट पाकिस्तान बट द सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान ठीक है और वेस्ट पाकिस्तान में पीपीपी को सारी सीट्स नहीं मिली थी वो बढ़ गई थी क्योंकि खाइबर एरियाज में उनको वोट नहीं मिले थे ठीक है सो दैट्स वाई एंड ऑब्वियसली क्योंकि ईस्ट बंगाल की पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा थी उनके पास सीट्स भी ज्यादा थी इसलिए सिंगल हैंडेडली मेजोरिटी मिल गई इस टाइम इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रिटी नहीं थी चेतन 1972 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रिटी हुई थी दैट वाज सिमलर एग्रीमेंट ओके चलो चलो देन विल एंड द सेशन ओके मेक श्योर टू ज्वाइन अन अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज पी डी एफ वहां मिल जाएगी आपको अन uh, अकेडमी का लिंक है वो ऊपर उसको यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे एसपी वाई टी कोड सब्सक्रिप्शन लेते हुए एंड मेक श्योर यू डू इट बिफोर ट्वेंटी फोर्थ बिकॉज उसके बाद प्राइसेज इंक्रीज हो जाएंगी ओके सो दैट विल भी ऑल फॉर नाउ टेक केयर एंड या थैंक यू फॉर द सेशन